हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू खगपति टॉक ऑफिशियल माय यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँ। आशा करूँ आपण माने समस्ते बहुत ही भलर थे। आज आम डिस्कशन करवा चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहाँकि 2012-2023 पर्यंत आसी प्रश्न एम फुल डिस्कशन करवा। तो आगू तो आगामी ओटीटी एग्जाम आपण मानी ए क्लास टी बहुत ही हेल्पफुल र। तो चलतु स्टार्ट करिबा क्लास। तो देखु फास्ट क्वेश्चन, निम्नोक्त केउ परिवर्तन प्रक्रिया को शिक्षण कहुए। तो प्रश्न पचारिछि केउ परिवर्तन प्रक्रिया को शिक्षण कहुए। तो ऑप्शन ए दिछि शारीरिक, बी दिछि आचरणगत, सी दिछि जैविक, डी दिछि मानसिक। तो ए चारिटा ऑप्शन रु ए राइट आंसर कोडा हो पिला माने माने रखिबे ए राइट आंसर हिजबो ऑप्शन नंबर बी, आचरणगत परिवर्तन प्रक्रिया को आम कह शिक्षण बोली कहा जाए। मैंने रखिए तो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी पिला माने। नेक्स्ट देखिबा, निम्नलिखित मध्यरु केउटी मानसिक स्वास्थ्य अवस्थार लक्षण नुहे। तो प्रश्न पचारिछि तो एमानक भितरु कोडा गोटे मानसिक स्वास्थ्य अवस्थार लक्षण नुहे। ऑप्शन ए दिछि मानसिक विकारमुक्त अवस्था, बीर दिछि मानसिक चाप विहीन अवस्था, सीर दिछि मानसिक तानावस्था, डीर दिछि शारीरिक व मानसिक सुस्थावस्था। तो ए चारिटा ऑप्शन रु ए राइट आंसर कोडा हो पिला माने माने रखिबे ए राइट आंसर हिजबो ऑप्शन नंबर डी पिला माने, शारीरिक व मानसिक सुस्थावस्था, किंतु एटा गोटे मानसिक स्वास्थ्य अवस्थार लक्षण नुहे। तो ए राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी पिला माने। नेक्स्ट देखिबा, जोने व्यक्तिर बुद्ध्यांक 90-110 हेले ताकु केउ वर्गरे रखा जाए। ऑप्शन ए दिछि सामान्य बुद्धि, बी दिछि असाधारण बुद्धि, सी दिछि बेसी बुद्धि, डी दिछि साधारण बुद्धि। तो ए चारिटा ऑप्शन रु ए राइट आंसर कोडा हो पिला माने जोने व्यक्तिर बुद्ध्यांक 90-110 हेले ताकु आमे केउ वर्गरे रखा जाए। तो ए राइट आंसर कोडा हो माने रखिबे ए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, साधारण बुद्धि। मैंने रखिए साधारण बुद्धि जो पिलार बुद्ध्यांक परिमाण 90-110 से पिला को आम कह साधारण बुद्धि संपन्न पिला कह जाए। मैंने रखिए तो सेमती आम जानवा सामान्य बुद्धि कौन, सामान्य बुद्धि जो पिलार बुद्ध्यांक परिमाण 80-90 से पिला को सामान्य बुद्धि संपन्न पिला कह जाए। तो आम सेमती जानवा असाधारण बुद्धि कौन, असाधारण बुद्धि जो पिलार बुद्ध्यांक परिमाण 140-140 से पिला को आम कह असाधारण बुद्धि कहा जाए। मैंने रखिए तो बेसी बुद्धि हूँ जो पिलार बुद्ध्यांक परिमाण 110-120 से पिला को आम कह बेसी बुद्धि संपन्न पिला कहा जाए। मैंने रखिए तो आपण मन पई चारिटी जाक आपण मन पई बहुत ही इंपोर्टेंट रहउची। तो 90-110 थिला हम ता कहबा साधारण बुद्धि, सामान्य बुद्धि होची 80-90 जदि तिबो ताको हम कहबा सामान्य बुद्धि संपन्न पिला कुआ जाय। माने रखिबे तो असाधारण बुद्धि 140-140 अधिक जदि तिबो ताको हम कहबा असाधारण बुद्धि संपन्न पिला कुआ जाय। तो बेसी बुद्धि 110-120 जदि तिबो ताको हम कहबा बेसी बुद्धि संपन्न पिला कुआ जाय। तो माने रखिबे तो ए राइट आंसर हिजबो ऑप्शन नंबर डी, साधारण बुद्धि। माने रखिबे नेक्स्ट देखिबा, केउटी पेशीय कौशल भित्तिक शिक्षण एक उदाहरण। तो एमानक भितरु कोटा गोटे पेशीय कौशल भित्तिक शिक्षण एक उदाहरण। ऑप्शन ए दिछि अनुकरण, बी दिछि मुखस्थीकरण, सी दिछि चित्रांकन, डी दिछि पर्यवेक्षण। तो ए चारिटा ऑप्शन रु ए राइट आंसर कोटा हो पिला माने माने रखिबे ए राइट आंसर हिजबो ऑप्शन नंबर सी, चित्रांकन। एटा किंतु पेशीय कौशल भित्तिक शिक्षण एक उदाहरण, अनुकरण, मुखस्थीकरण, पर्यवेक्षण एटा किंतु पेशीय कौशल भित्तिक शिक्षण एक उदाहरण नुहे। माने रखिबे तो चित्रांकन होउची गोटे पेशीय कौशल भित्तिक शिक्षण एक उदाहरण। तो राइट आंसर हिजबो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिबा, अंतर्दृष्टि शिक्षण प्रवक्ता किए, अंतर्दृष्टि शिक्षण प्रवक्ता किए। ऑप्शन ए दिछि स्किनर, बी दिछि थर्नडाइक, सी दिछि पाव्लोव, डी दिछि कोहेलर।
तो रईट आंसर कौटा हम पिला मैंने रखिए रईट आंसर ऑप्शन नंबर टी कहलर मैंने रखिए अंतदृष्टि शिक्षण प्रवक्ता होती कहलर मैंने रखिए। तो स्किनर के मतवाद प्रतिष्ठा करते मैंने रखिए स्किनर के मतवाद प्रतिष्ठा करते मैंने रखिए जांत्रिक जांत्रिक अनुबंध स्किनर जांत्रिक अनुबंध मतवाद प्रतिष्ठा करते मैंने रखिए। तो सेमती जाणी थर्नडाइक के मतवाद प्रतिष्ठा करते मैंने रखिए थर्नडाइक प्रयत्न प्रमाद प्रयत्न प्रमाद प्रयत्न प्रमाद मतवाद प्रतिष्ठा करते किए थर्नडाइक। तो पाभलोव के मतवाद प्रतिष्ठा करते सापेक्ष प्रतिवर्त बा अन्य नाम होची अनुबंध अनुक्रिया मैंने रखिए। तो आपण मैं चार जाक बहुत ही इम्पोर्टाट रोचे मैंने रखिए। नेक्स्ट देखा प्राक प्राथमिक शिक्षार्थी मान निमें क्यों शिक्षादान कौशल विशेष उपयोगी होता है ऑप्शन ए दे पर्यवेक्षण बी रे दे चिन्हटीकरण सी रे दे आलोचना डी रे दे वर्णना। तो ये चार ऑप्शन रु राइट आंसर कौटा हो पाला कौटा भाई राइट आंसर मैंने रखिए राइट आंसर हूँ ऑप्शन नंबर ए पर्यवेक्षण मैंने रखिए। प्राक प्राथमिक शिक्षार्थी मान निमें पर्यवेक्षण शिक्षादान कौशल विशेष उपयोगी होता है तो ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पर्यवेक्षण पिला माने। नेक्स्ट देखिबा पारदर्शिता शिक्षण निमन्ते केउटी करा जिबा उचित नुहे पारदर्शिता शिक्षण निमन्ते केउटी करा जिबा उचित नुहे ऑप्शन ए दिछि सबु वर्गर शिक्षार्थी को व्यक्तिगत दक्षता को विचार करी शिक्षादान करिबा बी रे दिछि पुनः शिक्षादान उपरे गुरुत्व देबा सी रे दिछि मेधावी शिक्षार्थी को उपरे अधिक ध्यान देबा डी रे दिछि शिक्षण सफलता दुर्बलता को विचार करी शिक्षादान करिबा। तो ए राइट आंसर कोटा हो पिला माने रखिबे ए राइट आंसर जीवो ऑप्शन नंबर डी शिक्षण सफलता दुर्बलता विचार करी शिक्षादान करिबा एटा किंतु पारदर्शिता शिक्षण करिबा उचित नुहे पारदर्शिता शिक्षण रे करिबा उचित नुहे शिक्षण सफलता दुर्बलता को विचार करी शिक्षादान करिबा किंतु एटा किंतु उचित नुहे। तो ए राइट आंसर जीवो ऑप्शन नंबर डी पिला माने। नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्यक्तिर वृद्धि क्यों प्रक्रिया अटे ऑप्शन ए दिछि धारावाहिक बी रे दिछि जैविक सी रे दिछि शैक्षिक डी रे दिछि मनस्तात्विक। तो ए चारिटा ऑप्शन रे राइट आंसर कोडा हो पिला माने व्यक्तिर वृद्धि क्यों प्रक्रिया अटे तो ए राइट आंसर कोडा हो माने रखिबे ए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जैविक जैविक प्रक्रिया अटे व्यक्तिर वृद्धि जैविक प्रक्रिया अटे तो ए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी पिला माने। नेक्स्ट देखिबा बार रु चौदह वर्ष वयस को क्यों अवस्था कहुए तो प्रश्न पचारि बार रु चौदह वर्ष वयस को क्यों अवस्था कहुए ऑप्शन ए दिछि कैशोर अवस्था बी रे दिछि प्रांत बाल्यावस्था सी रे दिछि आद्य प्रणत अवस्था डी रे दिछि प्राक कैशोर अवस्था। तो राइट आंसर कौटा हो पिला माने रखिबे ए राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी प्राक कैशोर अवस्था बार रु चौदह वर्ष वयस को हम कहिबा प्राक कैशोर अवस्था कहुए मैंने रखिए। तो कैशोर अवस्था रयस सीमा के कैशोर अवस्था रयस सीमा के मैंने रखिए दस रु उन्नीस वर्ष दस रु उन्नीस वर्ष को आम कह कैशोर अवस्था कहुए मैंने रखिए। तो सेमती जाणी प्रांत बाल्यावस्था वयस सीमा के प्रांत बाल्यावस्थार वयस सीमा के मैंने रखिए छु बार वर्ष को आम कह प्रांत बाल्यावस्था कहुए। तो सेमती जाणी आद्य परिणत अवस्था वयस सीमा के मैंने रखिए अठर रु चालीस वर्ष को आम कह आद्य परिणत अवस्था कहुए मैंने रखिए। तो परिणत अवस्था वयस सीमा के मैंने रखिए चालीस रु षाठी ताको आम कह परिणत अवस्था। तो आपण मानी चार आपण मानी बहुत ही इम्पोर्टाट रोचे मैंने रखिए। तो ए राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी प्राक कैशोर अवस्था बार रु चौदह वर्ष वयस को आम कह प्राक कैशोर अवस्था कहुए मैंने रखिए। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी पिला माने। नेक्स्ट देखिबा निम्नोक्त मध्यरु केउटी शिशुर आवेग नुहे
तो प्रश्न पचारिछि तो एमानक भितरु कोटा गोटे शिशुर आवेग नुहे। ऑप्शन ए दिछि कौतूहल, बी दिछि खेल, सी दिछि आनंद, डी दिछि स्नेह। तो ये चारिटा ऑप्शन रु ए राइट आंसर कोटा हो पिला माने माने रखिबे ए राइट आंसर हिजिब ऑप्शन नंबर बी खेल। किंतु एटा किंतु शिशुर आवेग नुहे, कौतूहल आनंद स्नेह एसब होछि शिशुर गोटे गोटे आवेग माने रखिबे। तो राइट आंसर हिजिब ऑप्शन नंबर बी पिला माने। नेक्स्ट देखिबा जोने साधारणत शिशु पांच वर्ष वयस बेलकु प्राय केतोटी शब्द आहरण करिथाय। जोने साधारण शिशु पांच वर्ष वयस बेलकु प्राय केतोटी शब्द सिखिथाय। ऑप्शन ए दिछि 2000, बी रे दिछि 2200, सी रे दिछि 2400, डी रे दिछि 2600। तो राइट आंसर कोटा हो पिला माने माने रखिबे राइट आंसर हिजिब ऑप्शन नंबर बी 2200 शब्द सिखिथाय। जोने साधारणत शिशु पांच वर्ष वयस बेलकु 2200 शब्द सिखिथाय। तो राइट आंसर हिजिब ऑप्शन नंबर बी पिला माने। नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा खेल एक स्वतप्रभुत्व कार्य यह किए कही खेल एक स्वतप्रभुत्व कार्य तो यटा को किए कही। ऑप्शन ए दिछि कोलबर्ट, बी दिछि पियाजे, सी दिछि पाब्लो, डी दिछि हरलक। तो राइट आंसर कोटा हो पिला माने माने रखिबे राइट आंसर हिजिब ऑप्शन नंबर डी हरलक कही हरलक कही खेल एक स्वतप्रभुत्व कार्य यटा को हरलोक कही। तो राइट आंसर हिजिब ऑप्शन नंबर डी पिला माने। नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा शिशुर विकास दृष्टिकोण रो केउटी अन्य तीनोटी ठारु भिन्न। ऑप्शन ए दिछि सहन शक्ति, बी रे दिछि चिंता शक्ति, सी रे दिछि स्मरण शक्ति, डी रे दिछि सृजन शक्ति। तो चारिटा ऑप्शन रो ए राइट आंसर कोडा हो पिला माने माने रखिबे ए राइट आंसर हिजिब ऑप्शन नंबर ए सहन शक्ति। शिशुर विकास दृष्टिकोण रु सहन शक्ति एमानक ठारु भिन्न। तो राइट आंसर होछि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा वृद्धि और वंशानुगुण मध्यरे विशेष संपर्क थाए एहा काहार मत। ऑप्शन ए दिछि सिरिल बॉट, बी दिछि हरलक, डी दिछि सिर दिछि वाटसन, डी दिछि गाल्टन। तो ये चारिटा ऑप्शन रो ए राइट आंसर कोडा हो पिला माने वृद्धि और वंशानुगुण मध्यरे विशेष संपर्क थाए तो एटा को के कहिथिले। तो ए राइट आंसर कोडा हो माने रखिबे ए राइट आंसर हिजिब ऑप्शन नंबर बी हरलक कहिथिले। तो ए राइट आंसर होछि ऑप्शन नंबर बी पिला माने। नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा शिक्षादान आरंभ रे शिक्षार्थीर पूर्वार्जित ज्ञान परीक्षा करा जायथाय या शिक्षण रो केउ नियम उपरे आधारित। तो प्रश्न पचारिछि शिक्षादान आरंभ रे शिक्षार्थीर पूर्व ज्ञान परीक्षा करा जायथाय या शिक्षण रो केउ नियम उपरे आधारित। ऑप्शन ए दिछि फलाफल, बी रे दिछि अभ्यास, सी रे दिछि प्रस्तुति, डी रे दिछि अभिज्ञता। तो चारिटा ऑप्शन रो ए राइट आंसर कोडा हो पिला माने माने रखिबे ए राइट आंसर हिजिब ऑप्शन नंबर सी प्रस्तुति। शिक्षादान आरंभ रे शिक्षार्थीर पूर्व ज्ञान परीक्षा करा जायथाय प्रस्तुति नियम रे माने रखिबे। तो राइट आंसर होछि ऑप्शन नंबर सी पिला माने। नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा जणे प्राथमिक शिक्षक शिक्षादान समय रे श्रुत लिखन उपरे गुरुत्व दियंती या द्वारा शिक्षार्थीर की प्रकार विकास साधित होइथाय। ऑप्शन ए दिछि सामाजिक, बी दिछि मानसिक, सी दिछि पेशीय, डी दिछि बौद्धिक। तो ए चारिटि ऑप्शन रो ए राइट आंसर कोडा हो पिला माने माने रखिबे ए राइट आंसर हिजिब ऑप्शन नंबर सी पेशीय माने रखिबे। तो ए राइट आंसर होछि ऑप्शन नंबर सी पेशीय। नेक्स्ट देखिबा प्राथमिक शिक्षार्थी मानकर शिक्षणगत दुर्बलता दूर करने निमंते जड़े प्राथमिक शिक्षक निम्नोक्त मध्यरु केउटी उपरे गुरुत्व देबे। ऑप्शन ए दिछि पाठ्यपुस्तक, बी दिछि शिक्षा उपकरण, सी दिछि मुखस्थीकरण, डी दिछि आलोचना और वर्णना। तो प्रश्न पचारिछि प्राथमिक शिक्षार्थी मानकर शिक्षणगत दुर्बलता दूर करने निमंते जड़े प्राथमिक शिक्षक
निम्नोक्त मध्यरु केउटी उपरे गुरुत्व देबा उचित तो ए राइट आंसर कोटा पिला माने मन रखिबे ए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी आलोचना वो वर्णना उपरे गुरुत्व देबे तो ए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी पिला माने आलोचना वो वर्णना। नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा निम्नोक्त मध्यरु केउटी एकक पाठ्य योजनार उपादान नुए तो चारिटे ऑप्शन रो कोटा गोटे एकक पाठ्य योजनार उपादान नुए ऑप्शन ए देची मुख्य धारणा बीर देची उपधारणा सी देची उपकरण डी देची श्रेणी परिचालना तो राइट आंसर कोटा हो पिला माने तो एमानको भितर कोटा गोटे एकक पाठ्य योजनार उपादान नुए कोटा हो राइट आंसर मन रखिबे राइट आंसर हिजिब ऑप्शन नंबर डी पिला माने श्रेणी परिचालना किंतु एटा गोटे एकक पाठ्य योजनार एक उपादान नुए मन रखिबे तो मुख्य धारणा उपधारणा उपकरण ए सब हूँ एकक पाठ्य योजनार उपादान किंतु श्रेणी परिचालना किंतु नुहे तो ए राइट आंसर हिजिब ऑप्शन नंबर डी पिला माने। नेक्स्ट देखिबा केउटी सृजनशीलतार सूचक नुहे तो प्रश्न पचारिछि तो एमानक भितर कोटा गोटे सृजनशीलतार सूचक नुहे ऑप्शन ए देछि चिंतन बी देछि मेलन सी देछि विश्लेषण डी देछि संश्लेषण तो ए राइट आंसर कोटा हो पिला माने माने रखिबे ए राइट आंसर हिजिब ऑप्शन नंबर बी मेलन एटा किंतु सृजनशीलतार सूचक नुहे चिंतन विश्लेषण संश्लेषण ये सब हूँ सृजनशीलतार सूचक तो राइट आंसर हिजिब ऑप्शन नंबर बी पिला माने। नेक्स्ट देखिबा मूल्यायन दृष्टिकोण रो केउटी अन्य तीनोटी ठारु भिन्न मूल्यायन दृष्टिकोण रो केउटी अन्य तीनोटी ठारु भिन्न ऑप्शन ए देछि रेटिंग स्केल बी देछि प्रोग्रेस कार्ड सी देछि चेकलिस्ट डी देछि प्रश्नगुच्छ तो चारिटे ऑप्शन रो ए राइट आंसर कोटा हम मन रखिबे ए राइट आंसर हिजिब ऑप्शन नंबर बी प्रोग्रेस कार्ड मन रखिबे तो ए राइट आंसर होउछि ऑप्शन नंबर बी पिला माने। नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा निम्नोक्त मध्यरु केउटी द्वारा शिक्षणगत दोष दुर्बलता परिमाप करा जाए ऑप्शन ए देछि वार्षिक परीक्षा बी देछि एकक परीक्षा सी देछि निदानात्मक परीक्षा डी देछि क्रमोन्नति परीक्षा तो राइट आंसर कोटा हो पिला माने एमानक भितरु शिक्षणगत दोष दुर्बलता परिमाप करा जाय थाए कोटा हो राइट आंसर कोटा हो मन रखिबे राइट आंसर हिजिब ऑप्शन नंबर सी पिला माने निदानात्मक परीक्षा द्वारा शिक्षणगत दोष दुर्बलता परिमाप करा जाय थाए तो राइट आंसर होछि ऑप्शन नंबर सी पिला माने। नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा केउटी वस्तुनिष्ठ प्रश्न सह संपर्कित नुहे तो एमानक भितर कोटा गोटे वस्तुनिष्ठ प्रश्न सह संपर्कित नुहे ऑप्शन ए देछि सामग्रिक शिक्षण परिमाप बी देछि चारि पांच विकल्प उत्तर थाए सी देछि सहज मूल्यांकन करि हुए डी देछि परीक्षा परिचालना सहज हुए कोटा राइट आंसर मन रखिबे राइट आंसर हिजिब ऑप्शन नंबर डी परीक्षा परिचालना सहज हुए एटा किंतु वस्तुनिष्ठ प्रश्न सह संपर्कित नुहे तो राइट आंसर हिजिब ऑप्शन नंबर डी पिला माने। नेक्स्ट देखिबा प्रवेशिका परीक्षा केउं प्रकार मूल्यांकन अंतर्भुक्त प्रवेशिका परीक्षा केउं प्रकार मूल्यांकन अंतर्भुक्त ऑप्शन ए देछि सामग्रिक बी देछि नैदानिक सी देछि पाठनतिक्रमिक डी देछि व्यवस्थान तो ए चारिटे ऑप्शन रो ए राइट आंसर कोटा हबो मन रखिबे ए राइट आंसर हिजिब ऑप्शन नंबर डी व्यवस्थान प्रवेशिका परीक्षा व्यवस्थान प्रकार मूल्यांकन अंतर्भुक्त तो राइट आंसर हिजिब ऑप्शन नंबर डी पिला माने व्यवस्थान मूल्यांकन अंतर्भुक्त प्रवेशिक परीक्षा तो राइट आंसर होछि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिबा निम्नोक्त मध्यरु केउटी अभिप्रेरणा सह संपर्कित नुहे ऑप्शन ए देछि शिक्षण प्रक्रिया सक्रिय हुए बी देछि शिक्षार्थी सह शिक्षण रे आग्रह प्रदर्शन करे सी देछि शिक्षण पई प्रेरणा व शक्ति मिलता डी देछि चिंतन व स्मरण शक्तिर विकास घटे
तो ये चारिटे ऑप्शन रो राइट आंसर कोडा हो पिला माने कोडा हो राइट आंसर तो राइट आंसर ये जो ऑप्शन नंबर डी चिंतन और स्मरण शक्तिर विकास घटे एटा किंतु अभिप्रेरणार एक संपृक्त नुहे तो मु राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिबा जड़े शिक्षार्थी शिक्षादान समय रे वास्तव वस्तु उपरे निर्भर करुच्ची शिक्षण दृष्टि यहा शिक्षार्थीर के प्रकार लक्षण अटे ऑप्शन ए दिचे मानसिक असुस्थता बी दिचे मानसिक अनग्रसरता सी दिचे मानसिक अस्थिरता डी दिचे मानसिक तानावस्था। तो ये चार ऑप्शन रो राइट आंसर कोडा हो मान रखिए ए राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी मानसिक अनग्रसरता। जड़े शिक्षार्थी शिक्षादान समय वास्तव वस्तु निर्भर करुच्ची शिक्षण दृष्टि यह शिक्षार्थी मानसिक अनग्रसरता लक्षण अटे तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा प्रतिभाशाली विद्यार्थी मानकर बुद्ध्यांक प्राय केते प्रतिभाशाली विद्यार्थी मानकर बुद्ध्यांक प्राय केते ऑप्शन ए दिचि 90 रु अधिक बी दिचि 100 रु अधिक सी दिचि 120 रु अधिक डी दिचि 130 रु अधिक। तो ए राइट आंसर कोडा हो प्रतिभाशाली विद्यार्थी मानकर बुद्ध्यांक प्राय केते माने रखिबे ए राइट आंसर हिजिबो ऑप्शन नंबर डी 130 रु अधिक 130 रु अधिक ताको हम कहिबा प्रतिभाशाली शिक्षार्थी कोआ जाय माने रखिबे तो ए राइट आंसर हिजिबो ऑप्शन नंबर डी पिला माने। नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा केउ पद्धति द्वारा प्रतिभाशाली शिक्षार्थी मानकु चिन्हट करा जाय पारे ऑप्शन ए दिचि लब्ध ज्ञान परीक्षा बी दिचि शिक्षादान और प्रदर्शन सी दिचि वंशानुगुण डी दिचि व्यक्ति विवरणी विश्लेषण। तो चारिटे ऑप्शन रो ए राइट आंसर कोडा हो पिला माने माने रखिबे ए राइट आंसर हिजिब ऑप्शन नंबर डी पिला माने व्यक्ति विवरणी विश्लेषण माने रखिबे व्यक्ति विवरणी विश्लेषण पद्धति द्वारा प्रतिभाशाली शिक्षार्थी मानकु चिन्हट करा जाय थाए तो राइट आंसर हिजिब ऑप्शन नंबर डी पिला माने। नेक्स्ट देखिबा निम्नोक्त मध्यरु केउटी शिशु कैंद्रिक शिक्षादान संपर्कित नुहे ऑप्शन ए दिचि शिक्षानुभूति उपरे गुरुत्व प्रदान बी दिचि सामग्रिक विकास उपरे गुरुत्व प्रदान सी दिचि स्व अध्ययन उपरे गुरुत्व प्रदान डी दिचि श्रेणी शिक्षादान उपरे गुरुत्व प्रदान। तो चारिटे ऑप्शन रो ए राइट आंसर कोडा हो राइट आंसर तो राइट आंसर हिजिब ऑप्शन नंबर डी पिला माने श्रेणी शिक्षादान उपरे गुरुत्व प्रदान एटा किंतु शिशु केंद्रिक शिक्षादान शिशु केंद्रिक शिक्षादान एक संपर्क नुहे तो राइट आंसर हिजिब ऑप्शन नंबर डी पिला माने। नेक्स्ट देखिबा केउ पाठ्यक्रम उपरे जॉन ड्यूई गुरुत्व देथिले ऑप्शन ए देछि शिशु केंद्रिक बी देछि प्रकल्प सी देछि अभिज्ञता भित्तिक डी देछि अनुबंध भित्तिक। तो चारिटे ऑप्शन रो ए राइट आंसर कोडा हो माने रखिबे ए राइट आंसर हिजिबो ऑप्शन नंबर बी प्रकल्प पाठ्यक्रम उपरे जॉन ड्यूई गुरुत्व देथिले तो राइट आंसर होउछि ऑप्शन नंबर बी पिला माने। नेक्स्ट देखिबा निम्नोक्त मध्यरु केउटी मौलिक शिक्षार सूचक तो एमानको भितरु कोटा गोटे मौलिक शिक्षार सूचक ऑप्शन ए दि तत्व भित्तिक बी दि कर्म भित्तिक सी दि प्रकल्प भित्तिक डी दि विषय केंद्रिक तो ए राइट आंसर कोटा हो पिला माने तो ए राइट आंसर होउछि ऑप्शन नंबर बी पिला माने कर्म भित्तिक मौलिक शिक्षा रे कर्म भित्तिक शिक्षा उपरे गुरुत्व दिए जाइछि माने रखिबे तो राइट आंसर होउछि ऑप्शन नंबर बी पिला माने। नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा आम राज्य रे केउ संस्था प्राथमिक स्तर पर पाठ्यकसड़ा प्रस्तुत करिथाय
तो राइट आंसर कोटा हो पिला माने आम राज्यर के संस्था प्राथमिक स्तर पर पाठ्यकसड़ा प्रस्तुत करें ऑप्शन ए दी ओपेपा बी दी टीई एंड एसीआरटी सी दी एनसीटी डी दी ईएलटीआई तो राइट आंसर कौटा हो पिला माने कौटा हो राइट आंसर मन रखिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पिला टीई एंड एसीआरटी आम राज्य में टीई एंड एसीआरटी प्राथमिक स्तर पर पाठ्यकसड़ा प्रस्तुत करें मन रखिए तो टीई एंड एसीआरटी रो फुल फॉर्म कौन हम मन रखिए टीचर एजुकेशन स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग मन रखिए टीई एंड एसीआरटी रो पूरा नाम हूँ टीचर एजुकेशन स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग मन रखिए तो एटा क्यों स्टेट अवस्थित पिला माने मन रखिए आम ओडिशा रो भुवनेश्वर रे अवस्थित मन रखिए तो ओपेपा ओपेपार पूरा नाम कौन हम ओडिशा प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी मन रखिए ओडिशा प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी यह प्राथमिक गुणात्मक शिक्षा प्रदान पर विभिन्न कार्यक्रम व्यवस्था करें तो यही कार्यालय केउठारे अवस्थित मन रखिए भुवनेश्वर रे अवस्थित मन रखिए तो ओपेपा ओडिशा प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी मन रखिए तो एनसीटी कौन एनसीटी रो पूरा नाम कौन मन रखिए एनसीटी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन मन रखिए तो यही परिषद नुआ दिल्ली ठारे अवस्थित मन रखिथिबे तो एनसीटी रो पूरा नाम होउछि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन मन रखिए तो ईएलटी रो पूरा नाम कौन हम ईएलटीआई मन रखिए इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग एंटीट्यूट ये अनुष्ठान इंग्राजी शिक्षार प्रसार पर विभिन्न कार्यक्रम हाथ को नहीं थाए मैंने रखिए तो आपण मानी चार जाक बहुत ही इंपोर्टेंट रोचे तो आम राज्य में टीई एंड एसीआरटी प्राथमिक स्तर पर पाठ्यकसड़ा प्रस्तुत करें मन रखिथे तो राइट आंसर होगी ऑप्शन नंबर बी पिला माने नेक्स्ट देखिबा निम्नोक्त मध्यरो केउटी शिशुर शारीरिक अभिवृद्धि को सूचाउछि केउटी शिशुर शारीरिक अभिवृद्धि को सूचाउछि ऑप्शन ए दिछि नकारात्मक बी दिछि परिमाणात्मक सी दिछि गुणात्मक डी दिछि सकारात्मक तो ए चारिटी ऑप्शन रो ए राइट आंसर कोडा हो पिला माने माने रखिबे ए राइट आंसर हिजिब ऑप्शन नंबर बी परिमाणात्मक परिमाणात्मक शिशुर शारीरिक अभिवृद्धि को सूचाउछि परिमाणात्मक तो राइट आंसर है जीवो ऑप्शन नंबर बी पिला माने नेक्स्ट देखिबा व्यक्तिर निजर भूल रु ही सीखे या केउ शिक्षण तत्व उपरे आधारित तो प्रश्न पचारि छि व्यक्तिर निजर भूल रु ही सीखे या केउ शिक्षण तत्व उपरे आधारित ऑप्शन ए दिछि यांत्रिक अनुबंध बी दिछि अंतर्दृष्टि सी दिछि प्रयत्न प्रमाद डी दिछि सापेक्ष प्रतिवर्त तो राइट आंसर कोडा हो पिला माने माने रखिबे ए राइट आंसर होछि ऑप्शन नंबर ए यांत्रिक अनुबंध व्यक्तिर निजर भूल रु ही सीखे या यांत्रिक अनुबंध शिक्षण तत्व उपरे आधारित माने रखिबे तो यांत्रिक अनुबंध केउ मतवाद प्रतिष्ठा करथिले माने रखिबे बी एफ स्किनर के बी एफ स्किनर मैंने रखिए तो यांत्रिक अनुबंध के मतवाद प्रतिष्ठा करते बी एफ स्किनर तो अंतर्दृष्टि के मतवाद प्रतिष्ठा करते मैंने रखिए कफका कोयलर भैरदीमार लुइन ये चार जन व्यक्ति अंतर्दृष्टि को प्रतिष्ठा करते मैंने रखिए कफका कोयलर भैरदीमार लुइन ये चार जन व्यक्ति यहाँ को प्रतिष्ठा करते अंतर्दृष्टि को तो प्रयत्न प्रमादर प्रवर्तक किए प्रयत्न प्रमादर प्रवर्तक किए मैंने रखिए ईएल थर्नडाइक मैंने रखिए तो सापेक्ष प्रतिवर्त के मतवाद प्रतिष्ठा करते मैंने रखिए पावलोव सापेक्ष प्रतिवर्तर प्रतिष्ठाता किए करते पावलोव मैंने रखिए तो ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यांत्रिक अनुबंध नेक्स्ट देखिबा
ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ତୋମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏକ ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ବିରେ ଦେଇଛି ବିକାଶ ଏକ ପରିମାଣାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସିରେ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷା ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟାଭିମୁଖୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଡିରେ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତୋମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟି ତଥ୍ୟଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ବିକାଶ ଏକ ପରିମାଣାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ବିକାଶ ଏକ ଗୁଣାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଇଛି ପରିମାଣାତ୍ମକ, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏକ ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠିକ୍ ଅଛି, ଶିକ୍ଷା ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟାଭିମୁଖୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି, ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିକାଶ ଏକ ପରିମାଣାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଅନୁଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି, ବିରେ ଦେଇଛି ସମସ୍ତ ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ତର ସମ୍ଭବ ମନେ ହୁଏ, ସିରେ ଦେଇଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ଭୁଲ ଓ ଦ୍ରୁତ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହୋଇପାରେ, ଡିରେ ଦେଇଛି ବିକଳ୍ପମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଟେ। ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ରୁ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ମନେ ରଖିବେ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଅନୁଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶୈକ୍ଷିକ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ନିରୂପଣ କରାଯାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାନ, ବି ଦେଇଛି ସମାପ୍ତି ସୂଚକ, ସିରେ ଦେଇଛି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ, ଡିରେ ଦେଇଛି ନୈଦାନିକ। ତ ଏ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶୈକ୍ଷିକ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ନିରୂପଣ କରାଯାଇଥାଏ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ନୈଦାନିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ନିରୂପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ନୈଦାନିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ନିରୂପଣ କରାଯାଇଥାଏ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଜଣେ ଛାତ୍ରର ପ୍ରକୃତ ବୟସ 7 ବର୍ଷ ଏବଂ ମାନସିକ ବୟସ ମଧ୍ୟ 7 ବର୍ଷ ହେଲେ ଛାତ୍ରଟି କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? ଜଣେ ଛାତ୍ରର ପ୍ରକୃତ ବୟସ 7 ବର୍ଷ ଏବଂ ମାନସିକ ବୟସ ମଧ୍ୟ 7 ବର୍ଷ ହେଲେ ଛାତ୍ରଟି କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ସାମାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ, ବି ଦେଇଛି ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ, ସି ଦେଇଛି ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ, ଡି ଦେଇଛି ଅସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ। ଜଣେ ଛାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ବୟସ 7 ବର୍ଷ ଏବଂ ମାନସିକ ମଧ୍ୟ 7 ବର୍ଷ ହେଲେ ଛାତ୍ରଟି ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ତନ୍ତୁଚାଳନା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ବିନ୍ଦୁ ସଂଯୋଗୀକରଣ, ବିରେ ଦେଇଛି ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ, ସିରେ ଦେଇଛି ଅସ୍ଥାକ୍ଷର ଲିଖନ, ଡିରେ ଦେଇଛି ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ପୃଥକୀକରଣ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ତନ୍ତୁଚାଳନା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ର ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ପୃଥକୀକରଣ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ବିନ୍ଦୁ ସଂଯୋଗୀକରଣ କ'ଣ? ବିନ୍ଦୁ ସଂଯୋଗୀକରଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମସ୍ତିଷ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହସ୍ତଚାଳନା କରି ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକୁ ରେଖା ଦ୍ୱାରା ଯୋଡ଼ିବାକୁ ବିନ୍ଦୁ ସଂଯୋଗୀକରଣ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ ବିନ୍ଦୁ ସଂଯୋଗୀକରଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମସ୍ତିଷ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହସ୍ତଚାଳନା କରି ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକୁ ରେଖା ଦ୍ୱାରା ଯୋଡ଼ିବାକୁ ବିନ୍ଦୁ ସଂଯୋଗୀକରଣ କୁହାଯାଏ। ତ ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ କ'ଣ? ଅନ୍ୟର କଥାକୁ ଶୁଣି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସେଇ କଥାକୁ ଲେଖିବାକୁ ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ ଅନ୍ୟର କଥାକୁ ଶୁଣି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସେଇ କଥାକୁ ଲେଖିବାକୁ ଆମେ କହିବା
श्रुत लिखन बोली कहा जाए। तो हस्ताक्षर लिखन कौन, तो आपण जानते हस्ताक्षर लिखन कौन, लेखा जा विषय वस्तु शब्द वाक्य को देख गार मध्य हाथ में लिखा को हस्ताक्षर लिखन कहा जाए मैंने रखिए। तो फल और पनीपरिया पृथकीकरण कहीं अलग है, फल और पनीपरिया अलग कहीं तो रखा को जोटा कि हाथ में, हाथ में फल और पनीपरिया को अलग रखा को फल और पनीपरिया पृथकीकरण कहा जाए मैंने रखिए। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, से अलग फल और पनीपरिया पृथकीकरण। नेक्स्ट देखिबा, प्राक प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में एक समय रे अक्षर लिखिबा वो बड़ पाटी रे पढ़िबा उपरे गुरुत्व दिया जाय थाए, या केउ शिक्षण तत्व उपरे आधारित। ऑप्शन ए देछि प्रयत्न प्रमाद, बी रे जो अनुबंध, सी रे देछि अंतर्दृष्टि, डी रे देछि अनुकरण। तो चारिटी ऑप्शन रो राइट आंसर कोटा हो पिला माने, प्राक प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र रे एक समय रे अक्षर लिखिबा वो बड़ पाटी रे पढ़िबा उपरे गुरुत्व दिया जाय थाए, या केउ शिक्षण उपरे तत्व उपरे आधारित। तो राइट आंसर कोटा हो मैंने रखिए, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुबंध, शिक्षण तत्व उपरे आधारित हो। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिबा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, प्रश्नपत्र नक्सा प्रस्तुति समय रे निम्नोक्त मधुरु कहा को विचार को निया जाय न थाए। ऑप्शन ए देछि प्रसंग, बी देछि शैक्षिक उद्देश्य, सी देछि प्रश्नोत्तर प्रकार भेद, डी देछि शिक्षादान समय। तो राइट आंसर कोटा हो मैंने रखिए, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी शिक्षादान समय। प्रश्नपत्र नक्सा प्रस्तुति समय रे शिक्षादान समय विचार को निया जाय न थाए। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पिला माने। नेक्स्ट देखिबा, मनोविज्ञान होउछि कौन, मनोविज्ञान होउछि कौन। ऑप्शन ए देछि आत्मा संपर्कीय विज्ञान, बी देछि मन संपर्कीय विज्ञान, सी देछि चेतना संपर्कीय विज्ञान, डी देछि आचरण संपर्कीय विज्ञान। कोडा राइट आंसर, मनोविज्ञान होउछि डैश कोडा राइट आंसर, मनोविज्ञान होउछि आचरणगत आचरण संपर्कीय विज्ञान। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिबा, केउटी अभिप्रेरणार एक उपादान नुहे, केउटी अभिप्रेरणार एक उपादान नुहे। ऑप्शन ए देछि पुरस्कार, बी रे देछि प्रोत्साहन, सी रे देछि प्रशंसा, डी रे देछि अभ्यासीकरण। तो ए चारिटी ऑप्शन रो राइट आंसर कोडा हो पिला माने, माने रखिबे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अभ्यासीकरण। एमानको भितरु अभिप्रेरणार एक उपादान नुहे। तो पुरस्कार प्रोत्साहन प्रशंसा एसब हूँ अभिप्रेरणार एक उपादान, गोटे गोटे उपादान, किंतु अभ्यासीकरण किंतु अभिप्रेरणार एक उपादान नुहे। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिबा, दुई रु छ वर्ष पर्यंत अवस्था को कौन कहा जाए, दुई रु छ वर्ष पर्यंत अवस्था को कौन कहा जाए। ऑप्शन ए दीजिए आद्य बाल्यावस्था, बी दीजिए शैशव अवस्था, सी दीजिए प्रांत बाल्यावस्था, डी दीजिए प्राक कैशोर अवस्था। तो राइट आंसर कोडा हो पिला माने, कोडा हो राइट आंसर, ये राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए आद्य बाल्यावस्था। मैंने रखिए दुई रु छ वर्ष पर्यंत अवस्था को हम कह आद्य बाल्यावस्था कहा जाए मैंने रखिए। तो शैशव अवस्था कौन, शैशव अवस्था होची जन्म ठारु दुई वर्ष को हम कह शैशव अवस्था कहा जाए मैंने रखिए। तो प्रांत बाल्यावस्था छु बार वर्ष को हम कह प्रांत बाल्यावस्था कहा जाए। तो प्राक कैशोर अवस्था दस रु चौदह वर्ष पर्यंत को हम कह प्राक कैशोर अवस्था कहा जाए मैंने रखिए। तो दुई रु छ वर्ष को हम कह आद्य बाल्यावस्था कहा जाए मैंने रखिए। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, क्यों पद्धति द्वारा मुख्यतः शिक्षक शिक्षार्थी मानकर गोष्ठीगत आचरण अध्ययन करिथांती, क्यों पद्धति द्वारा मुख्यतः शिक्षक शिक्षार्थी मानकर गोष्ठीगत आचरण अध्ययन करिथांती। ऑप्शन ए देछि साक्षात्कार, बी देछि स्वपरीक्षण, सी देछि व्यक्ति अध्ययन,
डी रही पर्यवेक्षण। तो ये राइट आंसर कौटा हम पाने तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पर्यवेक्षण पद्धति द्वारा शिक्षक शिक्षार्थी मानकर गोष्ठीगत आचरण अध्ययन करिथांती। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पर्यवेक्षण। नेक्स्ट देखिबा केउटी आवेग को सूचाए ना तो यहाँ भितर कौटा गोटे आवेग नुहे। ऑप्शन ए रही आनंद, बी रही दुख, सी रही कौतूहल, डी रही सहिष्णुता, कौटा नुहे? ए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सहिष्णुता, किंतु आवेग नुहे। आनंद, दुख, कौतूहल ए सब हूँ आवेग। तो राइट आंसर हूँ ऑप्शन नंबर डी पिला माने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा शिशु निजन खेली अन्यर खेल देखी आनंद उपभोग करने को क्यों प्रकार क्रीड़ा कह जाए? शिशु निजे न खेली अन्यर खेल देखी आनंद उपभोग करने को क्यों प्रकार क्रीड़ा कह जाए? ऑप्शन ए रही सक्रिय, बी रही मुक्त, सी रही निष्क्रिय, डी रही नियंत्रित। तो ये तो ऑप्शन रो ए राइट आंसर कौटा हो पाने कौटा हुए राइट आंसर मन रखिए ए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पाने निष्क्रिय क्रीड़ा कह जाए। शिशु निज न खेली अन्यर खेल देखी आनंद उपभोग करने को आम कहवा निष्क्रिय क्रीड़ा कह जाए मन रखिए। तो सक्रिय क्रीड़ा क्या कह जाए मन रखिए सक्रिय क्रीड़ा क्या कह जाए? जो कार्य निजे करी से व्यक्ति आनंद पाए आम कह सक्रिय क्रीड़ा बोली कह जाए मन रखिए। तो सक्रिय क्रीड़ा कौन जो कार्य निजे करी सेथिरु व्यक्ति आनंद पाए ताको हम कहिबा सक्रिय क्रीड़ा कह जाए। तो मुक्त क्रीड़ा कौन मुक्त क्रीड़ा क्या कह जाए? जो क्रीड़ा रे किछि नीति नियम न थाए ताको हम कहिबा मुक्त क्रीड़ा कह जाए मन रखिबे। जो क्रीड़ा रे किछि नीति नियम न थाए ताको हम कहिबा मुक्त क्रीड़ा कह जाए मन रखिबे। तो नियंत्रित क्रीड़ा कौन जो क्रीड़ा रे शिशु निज इच्छा अनुसार कार्य करि पारे नाही से क्रीड़ा को आम कह नियंत्रित क्रीड़ा कह जाए। जो क्रीड़ा रे शिशु निज इच्छा अनुसार कार्य करी पारे ना ताको हम कह नियंत्रित क्रीड़ा बोली कह जाए। तो आपण मन चैट जाक बहुत ही इंपोर्टेंट रोचे। तो ए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी निष्क्रिय क्रीड़ा शिशु निजे न खेली अन्यर खेल देखिए आनंद उपभोग करने को आम कह निष्क्रिय क्रीड़ा कह जाए। तो राइट आंसर हूँ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिबा केउटी बौद्धिक विकासर उपादान नुहे? ऑप्शन ए रही सृजन शक्ति, बी रही सहन शक्ति, सी रही चिंतन शक्ति, डी रही कल्पना शक्ति। तो मानक भितर कौटा गोटे बौद्धिक विकासर उपादान नुहे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सहन शक्ति। सहन शक्ति किंतु बौद्धिक विकासर उपादान नुहे। सृजन शक्ति, चिंतन शक्ति, कल्पना शक्ति ये सब हूँ बौद्धिक विकासर उपादान। तो राइट आंसर हूँ ऑप्शन नंबर बी पिला माने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा मनर विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक सामर्थ्य बुद्धि कह जाए यह प्रवक्ता किए? मनर विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक सामर्थ्य को बुद्धि कह जाए यार प्रवक्ता किए? ऑप्शन ए देसी स्पीयरमैन, बी रही जिन पियाजे, सी रही गाल्टन, डी रही टर्मान। तो चारिटा ऑप्शन रो ए राइट आंसर कौटा हे पिला माने मैंने रखिए ए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए स्पीयरमैन। तो राइट आंसर हूँ ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा निम्नोक्त केउ श्रेणीर शिक्षार्थी स्वतंत्र गोष्ठी श्रेणी अंतर्भुक्त होती? ऑप्शन ए रही मंथर, बी रही अनग्रसर, सी रही साधारण, डी रही प्रतिभाशाली। तो राइट आंसर कौटा हे पिला माने कौटा हे राइट आंसर? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी साधारण। साधारण श्रेणीर शिक्षार्थी स्वतंत्र गोष्ठी श्रेणी अंतर्भुक्त होती। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिबा केउटी पाठ्योपकरण व्यवहार एक उपयोगिता नुहे? केउटी पाठ्योपकरण व्यवहार एक उपयोगिता नुहे? ऑप्शन ए रही शिक्षक विषयगत ज्ञान वृद्धि करिबा,
ବିରେ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ କରିବା, ସିରେ ଦେଇଛି ଶିଶୁର ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଡିରେ ଦେଇଛି ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନ ଦେବା। ତ ଜେରାଟ ଅପସନର ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ, କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିଷୟଗତ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପାଠ୍ୟ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ଏକ ଉପଯୋଗିତା ନୁହେଁ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ। ନେକ୍ସଟ नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, दृश्य श्राव्य उपकरण व्यवहार द्वारा केउटी साधित होता है? दृश्य श्राव्य उपकरण व्यवहार द्वारा केउटी साधित होता है? ऑप्शन ए दिच्छी दृष्टिशक्ति शाणित हुए, बी रे दिच्छी देखिशुणी मध्य समन्वय स्थापन हुए, सी रे दिच्छी श्रवण शक्ति शाणित हुए, डी रे दिच्छी उभय दृष्टि और श्रवण शक्ति शाणित हुए। तो राइट आंसर कौटा हो पा मैंने, दृश्य मान कौन? दृश्य हूँ देखा, श्राव्य ହେଉଛି ଶୁଣିବା। ତ କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି, ଦେଖି ଶୁଣି ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ ହୁଏ। ମନେ ରଖିବେ, ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ବିକଳ୍ପ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ବ୍ୟବହାର, ବିରେ ଦେଇଛି ବିକଳ୍ପ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି, ସିରେ ଦେଇଛି ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ଡିରେ ଦେଇଛି ଦଳଗତ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ରୁ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ମାନେ ରଖିବେ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଦଳଗତ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ପାରଦର୍ଶୀ ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ, ଦଳଗତ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ମାନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ଜଣେ ଛାତ୍ର ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗଣିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ୍ ସମାଧାନ କରି ବେଶ ଆନନ୍ଦ ପାଇଲା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲା, ଏହା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଅଭ୍ୟାସ, ବି ରେ ଦେଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସି ରେ ଦେଇଛି ସାଦୃଶ୍ୟ, ଡି ରେ ଦେଇଛି ଫଳାଫଳ। ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ରୁ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? ଜଣେ ଛାତ୍ର ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗଣିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ୍ ସମାଧାନ କରି ବେଶ ଆନନ୍ଦ ପାଇଲା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲା, ଏହା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଫଳାଫଳ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସମ୍ବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ପରିମାପ କରାଯାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ, ବିରେ ଦେଇଛି ସୃଜନଶକ୍ତିର ବିକାଶ, ସିରେ ଦେଇଛି ଅଭିଜ୍ଞତାର ବିକାଶ, ଡିରେ ଦେଇଛି କେନ୍ଦ୍ରାପସାରୀ ଚିନ୍ତନର ବିକାଶ। ତ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? ତ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, କେନ୍ଦ୍ରାପସାରୀ ଚିନ୍ତନ ବିକାଶ, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସମ୍ବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ପରିମାପ କରାଯାଇଥାଏ। କେଉଁଥିରେ? କେନ୍ଦ୍ରାପସାରୀ ଚିନ୍ତନ ବିକାଶରେ। ତ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବର୍ତ୍ତମାନର ଶୈକ୍ଷିକ ସଫଳତାରୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତା'ର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ଓ ସଫଳତା ଆକଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଦେଇଛି ଅଭିଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷଣ, ବି ରେ ଦେଇଛି କୃଷକ ପରୀକ୍ଷଣ, ସି ରେ ଦେଇଛି ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ, ଡି ରେ ଦେଇଛି ମନୋବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷଣ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବର୍ତ୍ତମାନର ଶୈକ୍ଷିକ ସଫଳତାରୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତା'ର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ଓ ସଫଳତା ଆକଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଅଭିଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ନେକ୍ସଟ, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ମାତ୍ରାସୂଚକ ପାଠ୍ୟପକରଣର ଅଟେ? ତ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମାତ୍ରାସୂଚକ ପାଠ୍ୟପକରଣର ଏକ ଉପକରଣ? ଅପସନ୍ ଏ ରହିଛି କଳାପଟା, ବି ରେ ଦେଇଛି ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୋର୍ଡ଼, ସି ରେ ଦେଇଛି ସ୍ଥିର ଛବି, ଡି ରେ ଦେଇଛି ପ୍ରତିରୂପ। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର?
तो राइट आंसर होउची ऑप्शन नंबर डी प्रतिरूप माने रखिबे मात्रा सूचक उपकरण प्रतिरूप होउची गुटे मात्रा सूचकर एक उपकरण आउ कौन कौन मात्रा सूचक उपकरण आसुची विभिन्न प्रकार वस्तु चित्र मॉडल हेगला ग्लोब एसब होउची मात्रा सूचकर उपकरण तो कोलापटा प्रदर्शन बोर्ड कोलापटा प्रदर्शन बोर्ड एटा होउची कौन प्रदर्शन बोर्ड कोलापटा प्रदर्शन बोर्ड प्रदर्शन बोर्ड जाउची कोलापटारे माने रखिबे कोलापटा तापरे संवाद परिवेशन पटा प्लानन पटा एसब होउची प्रदर्शन बोर्ड माने रखिबे तो राइट आंसर होउची ऑप्शन नंबर डी प्रतिरूप इज योर राइट आंसर नेक्स्ट तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा प्राथमिक विद्यालय शिक्षार्थी माने मुख्यतः क्यों उपाय द्वारा अभिज्ञता अर्जन करिथांती ऑप्शन ए रे वास्तव पर्यवेक्षण बी रे अन्य मानक ठारु सुनी सी रे अनुकरण डी रे काल्पनिक चिंतन तो राइट आंसर कोटा हो प्राथमिक विद्यालय शिक्षार्थी माने मुख्यतः क्यों उपाय द्वारा अभिज्ञता अर्जन करिथांती कोटा हो राइट आंसर मन रखिबे राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए वास्तव पर्यवेक्षण प्राथमिक विद्यालय शिक्षार्थी माने वास्तव पर्यवेक्षण उपाय द्वारा अभिज्ञता अर्जन करिथांती तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट देखिबा केउटी कार्य पद्धति भित्तिक शिक्षण एक उपादान नुहे ऑप्शन ए रे अर्थबोधक शिक्षण बी रे अपेक्षाकृत स्थायी शिक्षण सी रे शिक्षक खूब सक्रिय डी रे आनंददायी शिक्षण कोटा हम राइट आंसर निम्नोक्त केउटी कार्य पद्धति भित्तिक शिक्षण एक उपादान नुहे कोटा हम राइट आंसर मन रखिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शिक्षक खूब सक्रिय एटा किंतु कार्य पद्धति भित्तिक शिक्षण एक उपादान नुहे तो राइट आंसर होउछि ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट देखिबा निम्नोक्त केउटी बहुश्रेणीय शिक्षादान व्यवस्था एक वैशिष्ट्य नुहे ऑप्शन ए जे शिक्षक एक समय एकाधिक श्रेणी में शिक्षादान करती बी रे शिक्षक गोटे श्रेणी में पाठ दे अन्य श्रेणी में शिक्षादान करती सी रे शिक्षक क्रमान्वय गोटे पर गोटे श्रेणी में शिक्षादान करती डी रे गोटे श्रेणी में मॉनिटर द्वारा श्रृंखला रक्षा करती तो एम भितर बहुश्रेणी शिक्षादान व्यवस्था एक वैशिष्ट्य नुहे कौटा नुहे कौटा हाँ रईट आंसर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शिक्षक क्रमान्वय गोटे पर गोटे श्रेणी में शिक्षादान करती यहाँ किंतु बहुश्रेणीय शिक्षादान व्यवस्था एक वैशिष्ट्य नुहे तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा केउटी सृजनात्मक चिंतन एक उपादान नुहे तो एमानको भितर कोटा गोटे सृजनात्मक चिंतन एक उपादान नुहे ऑप्शन ए रे केन्द्रपसारी चिंतन बी रे केन्द्राभिमुखी चिंतन सी रे नमनीय चिंतन डी रे नूतनत्व चिंतन कोटा हम राइट आंसर कोटा हम राइट आंसर तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी केन्द्राभिमुखी चिंतन किंतु यहाँ सृजनात्मक चिंतन एक उपादान नुहे तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पिला माने नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हरलोकंक मतरे आद्य बाल्यावस्था वयस सीमा केते हरलोकंक मतरे आद्य बाल्यावस्था वयस सीमा केते ऑप्शन ए देछि 2 रु 6 वर्ष बी रे देछि 6 रु 10 वर्ष सी रे देछि 2 रु 10 वर्ष डी रे देछि 0 रु 6 वर्ष तो राइट आंसर कोडाबो पिला माने कोडाबो राइट आंसर माने रखिबे राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 2 रु 6 वर्ष मन रखिए
हरलोकंक मतरे आद्य बाल्यावस्था बयस होउछि 2-6 वर्ष। से व्यक्तिर विकास प्रक्रिया को बयस अनुसार 4 भाग रे विभक्त करिछन्ति। के हरलोक सेगुडिक होउछि शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, कैशोर अवस्था और परिणत अवस्था। मैंने रखिए तो शैशव अवस्थार बयस सीमा केते? शैशव अवस्था जन्म ठारु 3 वर्ष को आम कह शैशव अवस्था कह जाए। तो बाल्यावस्थार बयस सीमा केते मन रखिए? बाल्यावस्थार बयस सीमा होछि 3-12 वर्ष को आम कह बाल्यावस्था। कैशोर अवस्थार बयस सीमा केते मन रखिए? कैशोर अवस्थार बयस सीमा होछि 10-19 वर्ष। 10-19 वर्ष को आम कह कैशोर अवस्था कहा जाए। तो परिणत अवस्था 19-60 वर्ष। मन रखिए तो हरलोक मतरे आद्य बाल्यावस्था बयस होउछि 2-6 वर्ष। से व्यक्तिर विकास प्रक्रिया को बयस अनुसार 4 भाग में विभक्त करिछथि। सेगुडिक होउछि शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, कैशोर अवस्था, परिणत अवस्था। तो शैशव अवस्थार हारहारी बयस होउछि जन्मठारु 3 वर्ष, बाल्यावस्थार हारहारी बयस होउछि 3-12 वर्ष, आ कैशोर अवस्थार हारहारी बयस होउछि 10-19 वर्ष, आ परिणत अवस्था होउछि 19-60 वर्ष। मन रखिए तो राइट आंसर होउछि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिबा शिक्षार्थी मानकर आचरण अनुधान करिबा पई केउ पद्धति अवलंबन करा जाय थाय। तो प्रश्न पचारिछि शिक्षार्थी मानकर आचरण अनुधान करिबा पई केउ पद्धति अवलंबन करा जाय थाय। ऑप्शन ए रहिछि पर्यवेक्षण, बी रहिछि साक्षात्कार, सी रहिछि स्वपरीक्षण, डी रहिछि उपरोक्त समस्त। तो राइट आंसर कोडा हबो? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त समस्त। शिक्षार्थी मानकर आचरण अनुधान करिबा पई पर्यवेक्षण पद्धति अवलंबन करा जाय थाय, साक्षात्कार पद्धति अवलंबन करा जाय थाय, स्वपरीक्षण पद्धति अवलंबन करा जाय थाय। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा विकासर केउ अवस्थारे शिशुर ठीक ओ भूल मध्यरे पार्थक्य बुझि पारे। ऑप्शन ए रहिछि शैशव अवस्था, बी रहिछि आद्य बाल्यावस्था, सी रहिछि प्रांत बाल्यावस्था, डी रहिछि प्राक कैशोर अवस्था। तो राइट आंसर कोडा हबो? मन रखिबे ए राइट आंसर हिजबो ऑप्शन नंबर बी आद्य बाल्यावस्था। आद्य बाल्यावस्था रे शिशु भूल ओ ठीक मध्यरे पार्थक्य जानि पारे। एहा आद्य बाल्यावस्थार विभिन्न लक्षण मध्यरु गोटिए अटे। मन रखिबे तो विकास केउ अवस्थारे शिशु ठीक भूल मध्यरे पार्थक्य बुझि पारे? तो आद्य बाल्यावस्थारे। मन रखिबे तो राइट आंसर होउछि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा केउ उक्तिटी विकासर नियमकु बुझाउछि। तो एचारे तो ऑप्शन रो कोडा गोटे विकासर नियमकु बुझाउछि। ऑप्शन ए रहिछि विकास सर्वदा समान भावरे घटिथाय, बी रहिछि विकास समाज केन्द्रिक अटे, सी रहिछि विकास एक धारावाहिक प्रक्रिया, डी रहिछि विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया। कोडा राइट आंसर? राइट आंसर हिजिब ऑप्शन नंबर सी विकास एक धारावाहिक प्रक्रिया। मन रखिबे विकास एक धारावाहिक प्रक्रिया एटा गोटे विकास नियम को बुझाऊ। मन रखिबे तो राइट आंसर हूँ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिबा बुद्धि संपर्क दुई उत्पादक तत्पर प्रवर्तक किए। बुद्धि संपर्क दुई उत्पादक तत्पर प्रवर्तक किए? ऑप्शन ए रहिछि स्पीयरमैन, बी रहिछि गाल्टन, सी रहिछि बीने, डी रहिछि टोरमैन। किए पिला माने दुई उत्पादक तत्पर प्रवर्तक किए? मैंने रखिए राइट आंसर हिजिब ऑप्शन नंबर ए स्पीयरमैन। मैंने रखिथिबे बुद्धि संपर्क दुई उत्पादक तत्पर प्रवर्तक होउछते स्पीयरमैन। मैंने रखिए नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा केउटी धारणा गठनर ठीक क्रम अटे। केउटी धारणा गठनर ठीक क्रम अटे? ऑप्शन ए रहिछि सूक्ष्म दर्शन, इंद्रानुभूति, पृथकीकरण, सिद्धांतिकरण। बी रहिछि इंद्रानुभूति, पृथकीकरण, सूक्ष्म दर्शन, सिद्धांतिकरण। सी रहिछि इंद्रानुभूति, सूक्ष्म दर्शन, सिद्धांतिकरण, पृथकीकरण।
डी देती इंद्रानुभूति सूक्ष्म दर्शन पृथ्वीकरण सिद्धांतिकरण कौटा हे रईट आंसर कौटा हे रईट आंसर मन रखिए रईट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी इंद्रानुभूति सूक्ष्म दर्शन पृथ्वीकरण सिद्धांतिकरण यही क्रमटी ठीक अच्छी मन रखिए तो शिशु इंद्र द्वारा ज्ञान आहरण करे सूक्ष्म भावे चिंता करे पृथ्वीकरण करी या विषय सिद्धांत रे उपनीत हुए पृथ्वीकरण करी सिद्धांत रे उपनीत हुए तो राइट आंसर हो जाबो ऑप्शन नंबर डी इंद्रानुभूति सूक्ष्म दर्शन पृथ्वीकरण सिद्धांतिकरण मन रखिए तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा अंतर्निवेशी शिक्षार अर्थ कौन अंतर्निवेशी शिक्षार अर्थ कौन ऑप्शन ए देती भिन्नक्षम शिक्षार्थी शिक्षण सुजोग बी रे देती सब वर्गर शिक्षार्थी अधिकार सह शिक्षण सुजोग सी रे देती शिक्षण में आगुआ पिला अधिक गुरुत्व डी रे देती शिक्षण में पछुआ पिला अधिक गुरुत्व अंतर्निवेशी शिक्षार अर्थ कौन पाने कौटा रईट आंसर मन रखिए रईट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी सबु वर्गर शिक्षार्थी अधिकार सह शिक्षण सुजोग मैंने रखिए तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा केउटी मूल्यायनर एक उदाहरण केउटी मूल्यायनर एक उदाहरण ऑप्शन वन रे देछि हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा खाता देखा नंबर टू रे देछि श्रेणी परीक्षा खाता देखा तो ऑप्शन ए देती केवल एक बी रे देती केवल दुई ऑप्शन सी रे देती उभय ए ओ बी डी रे देती कोनिष्टि नुए कोडा राइट आंसर केउटी मूल्यायन एक उदाहरण मैंने रखिए राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी एमानको भितर कोनिष्टि नुए तो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी पिला माने नेक्स्ट तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा डेलों अभिज्ञता शंकुरे सर्वप्रथमे कौन रही डेलों अभिज्ञता शंकुरे सर्वप्रथमे कौन रही ऑप्शन ए रे दी मौखिक संकेत बी रे दी प्रत्यक्ष अभिज्ञता सी रे दी परोक्ष अभिज्ञता डी रे दी दृश्य संकेत कौटा राइट आंसर मैंने रखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मौखिक संकेत डेलों अभिज्ञता शंकुरे सर्वप्रथमे रही मौखिक संकेत तो द्वितीय कौन रही दृश्य संकेत तापर कौन रही रेडियो रही रही टेप रेकर्डर स्थिर चित्र तापर रही चलचित्र तापर रही प्रदर्शित वस्तु तापर रही परिभ्रमण तापर रही नाटक अभिनय तापर रही परोक्ष अभिज्ञता तापर रही प्रत्यक्ष अभिज्ञता लास्ट रही प्रत्यक्ष अभिज्ञता तो आमको ये प्रश्न पचारिता डेलों अभिज्ञता शंकुरे सर्वप्रथमे कौन रही तो मौखिक संकेत रही तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा केउटी प्रक्षेपण उपकरण तो ये ऑप्शन रु कोटा गोटे प्रक्षेपण उपकरण ऑप्शन ए रही कलापटा बी रही फ्लानेल बोर्ड सी रही एपिडेस्कोप डी रही मॉडल तो राइट आंसर कोटा हो पिला माने कोटा हो राइट आंसर मैंने रखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एपिडेस्कोप एपिडेस्कोप हूँ गोटे प्रक्षेपण उपकरण तो प्रक्षेपण उपकरण आउ कौन कौन एपिडेस्कोप चलचित्र टीवी कंप्यूटर स्लाइड प्रोजेक्टर मैंने रखिए कौन कौन रही प्रक्षेपण उपकरण में एपिडेस्कोप तापर रही चलचित्र तापर रही टीवी तापर रही कंप्यूटर तापर रही स्लाइड तापर रही प्रोजेक्टर यह सब हूँ प्रक्षेपण उपकरण मैंने रखिए तो कलापटा फ्लानेल बोर्ड यहाँ हूँ प्रदर्शन उपकरण मैंने रखिए कलापटा फ्लानेल बोर्ड तापर हो संवाद परेषण पटा यह सब हूँ प्रदर्शन उपकरण तो मॉडल मॉडल कौन पाने के उपकरण दृश्य उपकरण मैंने रखिए दृश्य उपकरण कौन कौन जा मॉडल तापर रोच छवि तापर रोच गोलक तापर रोच मानचित्र नमूना गोटे दृश्य उपकरण रेखांकित छवि यहाँ गोटे दृश्य उपकरण चार्ट तापर रही चार्ट रही
ତାପରେ ଅକ୍ଷର କାର୍ଡ଼ ରହିଛି, ତାପରେ ଗପ କାର୍ଡ଼ ରହିଛି, ଏସବୁ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ଆମକୁ ଏଥିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲା ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଉପକରଣ କେଉଁଟା, ଏପିଡାସ୍କୋପ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ପଦ୍ଧତି ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ, କେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ପଦ୍ଧତି ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ। ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି କୌଶଳ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ବିରେ ଦେଇଛି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ, ସିରେ ଦେଇଛି ପାଠ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ, ଡିରେ ଦେଇଛି ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ମନେ ରଖିବେ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ପଦ୍ଧତି ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ। କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ପଦ୍ଧତି ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ। ତ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଅଭିନୟ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅନୁକରଣ ଏକ ଉଦାହରଣ, ଅଭିନୟ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅନୁକରଣ ଏକ ଉଦାହରଣ। ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି କ୍ରିୟାତ୍ମକ, ବି ରେ ଦେଇଛି ଜ୍ଞାତ, ସି ରେ ଦେଇଛି ଅଜ୍ଞାତ, ଡି ରେ ଦେଇଛି ସହାନୁଭୂତିକ। ତ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ, ଅଭିନୟ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ଅନୁକରଣ, ଅନୁକରଣର ଏକ ଉଦାହରଣ, କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ମାନେ ରଖିବେ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଜ୍ଞାତ, ମାନେ ରଖିବେ। ଜ୍ଞାତ ଅନୁକରଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଜାଣିଶୁଣି ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅନୁକରଣ କଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଜ୍ଞାତ ଅନୁକରଣ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧା ଶୈଳୀ ଦେଖିକି ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭାଷଣ ଅଭିନୟ କିମ୍ବା ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ପ୍ରକାରର ଅନୁକରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଅଭିନୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜ୍ଞାତ ଅନୁକରଣ। ଜ୍ଞାତ ଅନୁକରଣ ଜାଣିଶୁଣି ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅନୁକରଣ କଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଜ୍ଞାତ ଅନୁକରଣ କୁହାଯାଏ, ମାନେ ରଖିବେ। ତ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଜ୍ଞାତ। ତ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଅନୁକରଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ମାନେ ରଖିବେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖାଯାଉଥିବା କ୍ରିୟାକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ରିୟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଅନୁକରଣ କୁହାଯାଏ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଜଣେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳାଳି ବ୍ୟାଟ୍ ଉଠାଇଲେ ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଉଠାନ୍ତି, ଜଣେ ତାଳି ମାରିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଳି ମାରନ୍ତି। ତ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଅନୁକରଣ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖାଯାଉଥିବା କ୍ରିୟାକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ରିୟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଅନୁକରଣ କୁହାଯାଏ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅଜ୍ଞାତ ଅନୁକରଣ କ'ଣ, ଅଜ୍ଞାତ ଅନୁକରଣ ହେଉଛି ନିଜ ଅଜାଣତରେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିଥାଉ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅଜ୍ଞାତ ଅନୁକରଣ କୁହାଯାଏ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅଜ୍ଞାତ ଅନୁକରଣ କ'ଣ, ନିଜ ଅଜାଣତରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିଥାଉ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅଜ୍ଞାତ ଅନୁକରଣ କୁହାଯାଏ। ତ ସହାନୁଭୂତି ସୂଚକ ଅନୁକରଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନିରବ ରହିଲେ ଆମେ ନିରବ ରହୁ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ହସିଲେ ଆମେ ହସୁ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ରାଗିଲେ ଆମେ ରାଗୁ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସହାନୁଭୂତି ସୂଚକ ଅନୁକରଣ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଚାରିଟି ଯାକ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଜ୍ଞାତ। ଅଭିନୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜ୍ଞାତ ଅନୁକରଣର ଏକ ଉଦାହରଣ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ପରିବେଶ, ବି ରେ ଦେଇଛି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ସି ରେ ଦେଇଛି ପରିଭ୍ରମଣ, ଡି ରେ ଦେଇଛି ପରିପକନ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ, ମନେ ରଖିବେ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ପରିପକନ। ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପରିପକନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ, ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ। ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ସୁସଂଗଠିତ ପାଠଦାନ, ବିରେ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷଣ ଅସୁବିଧା ଦୂରୀକରଣ, ସିରେ ଦେଇଛି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ, ଡିରେ ଦେଇଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ, ମନେ ରଖିବେ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ପାରଦର୍ଶିତ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସୁସଂଗଠିତ ପାଠଦାନ ଆବଶ୍ୟକ, ଶିକ୍ଷଣ ଅସୁବିଧା ଦୂରୀକରଣ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ମଧ୍ୟ
आवश्यक। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त समस्त। नेक्स्ट तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा शिशुर क्यों समस्या अनुधान करने व्यक्ति इतिहास पद्धति अधिक फलप्रद अटे। ऑप्शन ए देसी श्रेणी गृह व्यवहारिक समस्या, बी रे देसी शिक्षण समस्या, सी रे देसी पारिवारिक समस्या, डी रे देसी उपरोक्त समस्या। तो चारिटे ऑप्शन रो ए राइट आंसर कौटा हे शिशुर क्यों समस्या अनुधान करने व्यक्ति इतिहास पद्धति अधिक फलप्रद अटे। तो राइट आंसर कौटा हे मन रखिए ए राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त समस्त। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी पिला मैंने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्योंटी शिक्षार्थी केंद्रिक शिक्षा व्यवस्था सह संपर्कित नुहे। क्योंटी शिक्षार्थी केंद्रिक शिक्षा व्यवस्था सह संपर्कित नुहे। ऑप्शन ए रही शिक्षक पथ प्रदर्शक रूपे कार्य करती, बी रे दी शिक्षार्थी शिक्षण प्रक्रियार केन्द्रबिंदु, सी रे दी शिशुर शिक्षण अनुभूति उपरे गुरुत्व प्रदान, डी रे दी शिक्षक प्रश्नोत्तर माध्यम शिक्षादान। तो ये चार्ट ऑप्शन रो ए राइट आंसर कौटा हे पाने मन रखिए ए राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी शिक्षकों प्रश्नोत्तर माध्यम शिक्षादान। यहाँ किंतु शिक्षार्थी केंद्रिक शिक्षा व्यवस्था सह व्यवस्थार सह संपर्कित नुहे। तो ये राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा आम राज्य में प्राथमिक शिक्षा केणी पिलार शिक्षा को बुझाऊँ। ऑप्शन ए रही प्रथम रु तृतीय, बी रे दी प्रथम रु पंचम, सी रे दी प्रथम रु सप्तम, डी रे दी प्रथम रु अष्टम। आम राज्य में प्राथमिक शिक्षा केणी पिलार शिक्षा को बुझाऊँ कौटा हम रईट आंसर मन रखिए ए रईट आंसर ऑप्शन नंबर डी प्रथम रु अष्टम श्रेणी पिला शिक्षा को बुझाऊँ आम राज्य प्राथमिक शिक्षा मन रखिए प्रथम रु अष्टम। तो रईट आंसर ऑप्शन नंबर डी पिला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा अनुबंध शिक्षण तत्पर प्रवर्तक किए थे। अनुबंध शिक्षण तत्पर प्रवर्तक किए थे। ऑप्शन ए रही थर्नडाइक, बी रही कोहलर, सी रही कफका, डी रही पावलोव कौटा हम राइट आंसर मैंने रखिए ए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पावलोव मैंने रखिए। तो अनुबंध शिक्षण तत्पर अन्य नाम कौन मैंने रखिए सापेक्ष प्रतिवर्त। तो अनुबंध शिक्षण तत्पर प्रवर्तक होती पावलोव। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट केउटी अभिज्ञान परीक्षण नुहे। केउटी अभिज्ञान परीक्षण नुहे। तो ये चार्ट ऑप्शन रु कौटा गोटे अभिज्ञान परीक्षण नुहे। ऑप्शन ए रही बाच्यपूर्ति, बी रही सत्यासत्य, सी रे दी पदमेलन, डी रे दी बहु विकल्प। तो राइट आंसर कौटा हे तो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए वाक्यपूर्ति। कारण यही प्रश्न रे उत्तर दि जा न था परीक्षार्थी निज मनर उत्तर लेखे। तो यहाँ गोटे वाक्यपूर्ति किंतु अभिज्ञान परीक्षण नुहे। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा पेडागोजी क्या कहुए। पेडागोजी क्या कहुए। ऑप्शन ए रही शिक्षण सम्बन्धी विज्ञान, बी रे दी शिक्षा योजना संपर्क विज्ञान, सी रे दी शिक्षादान सम्बन्धी विज्ञान, डी रे दी शैक्षिक परीक्षण विज्ञान। तो राइट आंसर कौटा हे पिला मैंने कौटा हे राइट आंसर कौटा हे राइट आंसर ए राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी शिक्षादान सम्बन्धी विज्ञान। शिक्षादान सम्बन्धी विज्ञान को हम कहिबा पेडागोजी बोली कहा जाए मन रखिए। तो ए राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी पिला मैंने। नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्योंटी एक शिक्षण पद्धति नुहे।
तो चारोटी ऑप्शन रो कोटा गोटे शिक्षण पद्धति नुहे। ऑप्शन ए देछि पर्यवेक्षण, बी रे देछि अनुकरण, सी रे देछि आविष्कार, डी रे देछि प्रशिक्षण। तो ए राइट आंसर कोटा हो पिला माने मन रखिबे ए राइट आंसर हिजिब ऑप्शन नंबर डी प्रशिक्षण, किंतु एटा गोटे शिक्षण पद्धति नुहे। तो राइट आंसर होछि ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, निम्नोक्त उक्ति मधेरु केउटी ठीक? तो चारिटी ऑप्शन रो कोटा ठीक देछि। ऑप्शन ए देछि शिशुर मानसिक विकास ताहार परिवेश उपरे केवल निर्भर करे, बी रे देछि शिशुर मानसिक विकास केवल वंशानुगुण उपरे निर्भर करे, सी रे देछि शिशुर मानसिक विकास उभय परिवेश व वंशानुगुण उपरे निर्भर करे, डी रे देछि शिशुर मानसिक विकास ताहार पुस्तकगत ज्ञान उपरे निर्भर करे। ते चारिटी ऑप्शन रो कोटा ठीक अछि मने रखिबे ए राइट आंसर हिजिबो ऑप्शन नंबर सी, शिशुर मानसिक विकास उभय परिवेश व वंशानुगुण उपरे निर्भर करिथाय। ऑप्शन सी हिजिबो राइट आंसर। तो ए राइट आंसर होछि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, ओटीईटी केउ प्रकार रो मूल्यांकन अंतर्गत? ऑप्शन ए रे नैदानिक, बीर देछि गठनात्मक, सी रे समाप्ति सूचक, डी रे देछि व्यवस्थान। तो ए राइट आंसर कोडा हबो मने रखिबे ए राइट आंसर हिजिबो ऑप्शन नंबर डी व्यवस्थान। ओटीईटी परीक्षा होछि गुटे व्यवस्थान मूल्यांकन। तो ए राइट आंसर होछि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, मंथरगामी शिक्षार्थीकर बुद्ध्यांक साधारणत केते? मंथरगामी शिक्षार्थीकर बुद्ध्यांक साधारणत केते? ऑप्शन ए रे देछि 60 रु कम, बी रे देछि 60 रु 80 मध्य रे, सी रे देछि 90 रु 110 मध्य रे, डी रे देछि 110 रु अधिक। तो राइट आंसर कोडाबो पिला माने कोडाबो राइट आंसर माने रखिबे ए राइट आंसर होछि ऑप्शन नंबर बी 60 रु 80 मध्य रे। जो शिक्षार्थी मानकर बुद्ध्यांक 60 रु 80 मध्य रे थाए से मानकु मंथरगामी शिक्षार्थी कहा जाए। एमानकर बुद्ध्यांक कम थिबारु से माने धीर गति रे सिखिथांते माने रखिबे। तो 90 रु 110 किभलिया बुद्धि कहा जाए? माने रखिबे साधारण बुद्धि 90 रु 110 ताको हम कहिबा साधारण बुद्धि संपन्न कुआ जाए माने रखिबे। तो सेमिति 110 रु 120 ताको किभलि बुद्धि कुआ जाए माने रखिबे बेसी बुद्धि 110 रु 120 ताको हम कहिबा बेसी बुद्धि, 120 रु 140 ताको कहिबा श्रेष्ठ बुद्धि, 140 रु अधिक ताको हम कहिबा असाधारण बुद्धि, 130 रु अधिक जो थी ताको हम कहिबा आमे प्रतिभाशाली, आउ 80 रु 90 जो थी ताको हम सामान्य बुद्धि कुआ जाए माने रखिबे। तो ए भितर गोटे क्वेश्चन निहाती पाइबे। तो 90 रु 110 ताको हम कहिबा साधारण बुद्धि, 110 रु 120 ताको कहिबा आमे बेसी बुद्धि, 120 रु 140 ताको कहिबा श्रेष्ठ बुद्धि, 140 रु अधिक ताको कहिबा असाधारण बुद्धि, 130 रु अधिक ताको हम कहिबा प्रतिभाशाली, 80 रु 90 जो थी ताको कहिबा सामान्य बुद्धि माने रखिबे। तो 60 रु 80 मध्यरे ताको हम कहिबा मंथरगामी शिक्षार्थी माने रखिबे। तो राइट आंसर होछि ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, द्वैत श्रेणी शिक्षादान पई शिक्षक कोण करिबा उचित? ऑप्शन ए देछि उभय श्रेणी रे पढ़ा देबे ओ केंद्रस्थल रे बसी श्रृंखला रक्षा करिबे, बी रे देछि उच्च श्रेणी रे शिक्षादान करिबे ओ निम्न श्रेणी रे श्रृंखला रक्षा करिबा पई मॉनिटर को नियुक्ति करिबे, सी रे देछि निम्न श्रेणी रे पढ़ा दे उच्च श्रेणी रे पाठ पढ़ेबे एवं किछि समय परे उच्च श्रेणी रे पढ़ा दे निम्न श्रेणी रे पढ़ेबे, डी रे देछि उच्च श्रेणी रे जणे छात्र को निम्न श्रेणी रे नियुक्त करिबे ओ निज उच्च श्रेणी रे शिक्षादान करिबे। द्वैत श्रेणी शिक्षादान पई शिक्षक कोण करिबा उचित? कोण करिबे शिक्षक? ए राइट आंसर हिजिब ऑप्शन नंबर सी, निम्न श्रेणी रे पढ़ा दे उच्च श्रेणी रे पढ़ा पढ़ेबे तापर किछि समय परे उच्च श्रेणी रे पढ़ाई दे निम्न श्रेणी रे पढ़ेबे। तो ए राइट आंसर हिजिब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट,
ଶିଶୁ ଏକ କୋମଳ ଚାରା ଗଛ ସାଦୃଶ୍ୟ ଏହା କାହାର ମତ? ଶିଶୁ ଏକ କୋମଳ ଚାରା ଗଛ ସାଦୃଶ ଏହା କାହାର ମତ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ପ୍ରୋବେଲ, ବିର୍ ଦେଇଛି ରୁଷ, ସିର୍ ଦେଇଛି ମଣ୍ଟେସରି, ଡିର୍ ଦେଇଛି ପେଷ୍ଟାଲୋଜି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହବ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ପ୍ରୋବେଲ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ନେକ୍ସଟ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ 130 ହେଲେ ନିମ୍ନକ୍ତ ଉକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଠିକ୍? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ମାନସିକ ବୟସ ପ୍ରକୃତ ବୟସ, ବିର୍ ଦେଇଛି ମାନସିକ ବୟସ ପ୍ରକୃତ ବୟସ, ସିର୍ ଦେଇଛି ମାନସିକ ବୟସ ପ୍ରକୃତ ବୟସ, ଡିର୍ ଦେଇଛି କନିଷ୍ଠି ନୁହେଁ। କେଉଁଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ମାନସିକ ବୟସ ପ୍ରକୃତ ବୟସ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଉଭୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଓ ସପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଭିତ୍ତିକ ଗୁଣାବଳୀ ପରିମାପନ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପଦ୍ଧତି ଫଳପ୍ରଦ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଗଠନମୂଳକ, ବିରେ ନିଦାନାତ୍ମକ, ସିରେ ସମ୍ପ୍ୟାପକ, ଡିରେ ଦେଇଛି ସମାପନ। ଉଭୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଓ ସପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଭିତ୍ତିକ ଗୁଣାବଳୀ ପରିମାପନ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପଦ୍ଧତି ଫଳପ୍ରଦ ଅଟେ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହବ ମନେ ରଖିବେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ସମ୍ପ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପଦ୍ଧତି ଫଳପ୍ରଦ ଅଟେ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁ ମନସ୍ତତ୍ୱବିତ୍ ଯେଉଁ ପଶୁ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ନିଜର ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ତାହାର ଠିକ୍ ଯୋଡ଼ି କେଉଁଟି? ତ ଏ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଯେଉଁ ପଶୁ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ନିଜର ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ତାହାର ଠିକ୍ ଯୋଡ଼ି କେଉଁଟା? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି କହେଲର ସିମ୍ପାଞ୍ଜି। ତ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, କହେଲର ସିମ୍ପାଞ୍ଜି। ସିମ୍ପାଞ୍ଜିକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ଥର୍ଣ୍ଣଡାଇକ୍ କାହାକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ମନେ ରଖିବେ? ଥର୍ଣ୍ଣଡାଇକ୍ ବିରାଡ଼ି ଓ ମୂଷାକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ଏଥିରେ କୁକୁର ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି। ତ ଗୋଟିଏ ବିରାଡ଼ି ଓ ମୂଷାକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଥର୍ଣ୍ଣଡାଇକ୍। ତ ପାଭଲୋଭ କ'ଣ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ମନେ ରଖିବେ? ପାଭଲୋଭ ଗୋଟିଏ କୁକୁରକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତ ପାଭଲୋଭ ମୂଷା ଦେଇଛି, ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଅଛି। ସ୍କିନର ବିରାଡ଼ି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଅଛି। ତ ସ୍କିନର ଗୋଟିଏ ମୂଷାକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, କହିଲର ସିମ୍ପାଞ୍ଜି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ସୃଜନଶୀଳ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ସୃଜନଶୀଳ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଆବଶ୍ୟକ? କେଉଁଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଚିନ୍ତନ, ବି ଦେଇଛି ନିଦାନାତ୍ମକ, ସି ଦେଇଛି କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ଚିନ୍ତନ, ଡି ଦେଇଛି କ୍ରିୟାକଳାପ ଭିତ୍ତିକ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହବ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଚିନ୍ତନ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ନେକ୍ସଟ, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଏକ ଉଦ୍ଦୀପକର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏକ ବିକଳ୍ପ ଉଦ୍ଦୀପକ ସହ ଅନୁବନ୍ଧିତ କରାଯାଇପାରିବ, ଏହା କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଅନ୍ତଦୃଷ୍ଟି, ବି ଦେଇଛି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁବନ୍ଧ, ସି ଦେଇଛି ସାକ୍ଷେପ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତ, ଡି ଦେଇଛି ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହବ ମନେ ରଖିବେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ପିଲାମାନେ ସାକ୍ଷେପ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭୁଲ? ତ ଏ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ଦେଇଛି? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ବିକାଶ ବ୍ୟକ୍ତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଅଟେ, ବିରେ ଦେଇଛି ପରିପୋକନର ବିକାଶ ଅନ୍ତ ଘଟେ ନାହିଁ, ସିରେ ଦେଇଛି ବିକାଶ ଏକ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଡିରେ ଦେଇଛି ବିକାଶ ସର୍ବଦା ସମାନ ଭାବରେ ଘଟିଥାଏ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହବ ମନେ ରଖିବେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ବିକାଶ ସର୍ବଦା ସମାନ ଭାବେ ଘଟିଥାଏ କି? ଘଟିନଥାଏ ନା? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ବିକାଶ ସର୍ବଦା ସମାନ ଭାବେ ଘଟିଥାଏ। ତ ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଶିଶୁର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ପିତାମାତାଙ୍କର ଅଭିଳାଷ, ବିରେ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ବ୍ୟବହାର, ସିରେ ଦେଇଛି ସହପାଠୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର, ଡିରେ ଦେଇଛି
समस्त। तो ए रेट आंसर कौटा हम मन रखिए ए रेट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त समस्त। शिशु मानसिक स्वास्थ्य पिता माता अभिलाष द्वारा प्रभावित होता है, शिक्षक व्यवहार द्वारा प्रभावित होता है, सहपाठी मान व्यवहार द्वारा प्रभावित होता है। तो ए रेट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त समस्त। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, पूर्ण व आंशिक धारणावादी शिक्षण क्यों शिक्षण मतवाद उपरे पर्यवेक्षित। ऑप्शन ए देखिए क्षेत्र तत्व विरुद्धकरणवाद सीरीज प्रयत्न प्रमाद डीजे अंतदृष्टि। तो रेट आंसर कौटा हम तो रेट आंसर ऑप्शन नंबर डी अंतदृष्टि। पूर्ण व आंशिक धारणावादी शिक्षण अंतदृष्टि शिक्षण मतवाद उपरे पर्यवेक्षित। तो रेट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, क्योंटी सृजनशीलतार विकास सहायक। ऑप्शन ए देखिए दस गोटी मिश्रण करवा, बी देखिए गोटे वाक्य अक्षर गुड़ी गणवा, सी देखिए खंडे इटार विविध व्यवहार लिखा, डी देखिए गोटे वाक्य को दस थर लिखा। इन भितर कौटा गोटे सृजनशीलतार विकास सहायक कौटा हम रईट आंसर मन रखिए ए रईट आंसर ऑप्शन नंबर सी रईट आंसर खंडे इटार विविध व्यवहार लिखा। तो रईट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अंतर्निवेश शिक्षा कौन। ऑप्शन ए देखिए विभिन्न गोष्ठी शिक्षार्थी को विभिन्न दल पृथक कर शिक्षा देवा, बी रे देखिए समस्त औपचारिक शिक्षण व्यवस्था करवा, सी रे देखिए समस्त विषय को अंतर्भुक्त कर शिक्षा देवा, डी रे देखिए समस्त गोष्ठी शिक्षार्थी को एकत्र कर आवश्यकता अनुजाई शिक्षा देवा। तो रईट आंसर कौटा हम पिला मैंने रखिए ए रईट आंसर ऑप्शन नंबर डी समस्त गोष्ठी शिक्षार्थी को एकत्र कर आवश्यकता अनुजाई शिक्षा देवा। यहाँ हूँ अंतर्निवेश शिक्षार एक मूल। तो रईट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखा, क्योंटि शिक्षक केंद्रिक शिक्षादान शिक्षण व्यवस्था। ऑप्शन ए देखिए शिक्षक शिक्षण कार्य को तदारख करती, बी रे देखिए शिक्षार्थी अभिज्ञता अर्जन में शिक्षक सहायक हूँ, सी रे देखिए शिक्षक शिक्षण सामग्री प्रदर्शन कर बुझाते, डी रे देखिए शिक्षक शिक्षण सहायक रूपे कार्य करती। तो राइट आंसर कौटा हम कौटा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी शिक्षक शिक्षण सामग्री प्रदर्शन कर बुझाते। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जीव राइट आंसर। नेक्स्ट देखा, केउटी दक्षता भित्तिक शिक्षादान शिक्षण प्रक्रियार संपर्कित नुहे। ऑप्शन ए देखिए प्रत्येक दक्षता पूर्व दक्षता उपर आधारित, बी रे देखिए समस्त दक्षता शिक्षादान उपर शिक्षण कार्य को संगे करा जाय थाय, सी रे देखिए पाठटी को केते गुड़े छोट छोट एकक प्रकाश करा जाय, डी रे देखिए दक्षता गुड़ी को सरल रु जटिल क्रम नय सजा जाय थाय। कोटा हम राइट आंसर केउ दक्षताटी शिक्षादान शिक्षण प्रक्रिया संपर्कित नुहे। कौटा हम रईट आंसर मन रखिए ए रईट आंसर ऑप्शन नंबर बी समस्त दक्षता शिक्षादान और शिक्षण कार्य एक संगे करा जाए। तो रईट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्यों प्रश्नर उत्तर अनुमान कर देवार संभावना सब कम। ऑप्शन ए देखिए चार विकल्प प्रश्न, बी रे देखिए गोटे वाक्य उत्तर देवा, सी रे देखिए समापन प्रश्न, डी देखिए हाँ ना प्रश्न। कौटा राइट आंसर तो क्यों प्रश्नर उत्तर अनुमान कर देवार संभावना सब कम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चार विकल्प प्रश्न ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चार विकल्प प्रश्न। नेक्स्ट देखा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, गोटे पीरियड शिक्षादान शेष सोपान कि प्रकार प्रश्न पचार जाए। गोटे पीरियड शिक्षादान शेष सोपान कि प्रकार प्रश्न पचारि जाए। ऑप्शन ए देखिए समाप्ति सूचक, बी रे देखिए गठनमूलक, सी रे देखिए व्यवस्थान, डी रे देखिए नैदानिक। तो ए रईट आंसर कौटा हम मन रखिए ए रईट आंसर ऑप्शन नंबर बी गठनमूलक प्रश्न पचारि जाए। गोटे पीरियड शिक्षादान शेष सोपान गठनमूलक प्रश्न पचार जाए। तो रईट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, क्योंटी पर्यवेक्षण एक साधन नुहे।
तो एमानको भितरु कोटा गोटे पर्यवेक्षण एको साधन नुहे। ऑप्शन ए दिछे रेटिंग स्केल, बी दिछे चेकलिस्ट, सी दिछे घटनावली विवरणी, डी दिछे कृति परीक्षण। तो ए राइट आंसर कोटा हबो, ए राइट आंसर हिजो ऑप्शन नंबर डी कृति परीक्षण। किंतु एटा गोटे पर्यवेक्षण एको साधन नुहे, रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट, घटनावली विवरणी एसब होछि पर्यवेक्षण एको साधन किंतु कृति परीक्षण नुहे। तो राइट आंसर होछि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिबा केउटी गोटे मुक्त उत्तरमूलक प्रश्न नुहे, तो मानक भितर कोटा गोटे मुक्त उत्तरमूलक प्रश्न नुहे। ऑप्शन ए रहिछि जलर उपकारिता लेख, बी रहिछि गोटे बाड़ी किपरि व्यवहार करिबो बुझाओ, सी रहिछि वृक्ष दिन बेला केतोटी ग्यास त्याग करे, डी रहिछि पत्रर कार्य वर्णना कर। कोटा गोटे मुक्त उत्तरमूलक प्रश्न नुहे, कोटा हम राइट आंसर मन रखे, ए राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी वृक्ष दिन बेला केतोटी ग्यास त्याग करे, एटा किंतु मुक्त उत्तरमूलक प्रश्न नुहे। तो राइट आंसर होछि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिबा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा शिक्षण शिक्षादान प्रक्रियार केउ उपादान शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा प्रभावित। ऑप्शन ए रहिछि शिक्षादान पद्धति, बी रहिछि शिक्षण अभिज्ञता, सी रहिछि मूल्यायन, डी रहिछि ए समस्त। तो राइट आंसर कोटा हबो मन रखिबे, ए राइट आंसर हिजो ऑप्शन नंबर डी समस्त। शिक्षण शिक्षादान प्रक्रियार शिक्षादान पद्धति उपादान शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा प्रभावित होता है, शिक्षादान पद्धति, शिक्षण अभिज्ञता, मूल्यायन। तो राइट आंसर हिजो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिबा केउटी शिशुर विकास को प्रभावित करिथाय। ऑप्शन ए देछि शिशु प्रति शिक्षकंकर आचरण, बी रे देछि शिशु प्रति पितामातांको आचरण, सी रे देछि शिशु प्रति सांगसाथींको आचरण, डी रे देछि ए समस्त। तो राइट आंसर कोटा हबो मन रखिबे, ए राइट आंसर हिजो ऑप्शन नंबर डी शिशु प्रति शिक्षकंक आचरण विकास को प्रभावित करिथाय, शिशु प्रति पितामातांकर आचरण शिशुर विकास को प्रभावित करिथाय, ऑप्शन सी रे देछि शिशु प्रति सांगसाथींको आचरण मध्य विकास को प्रभावित करिथाय। तो राइट आंसर हिजो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिबा शिक्षादान शिक्षण समय रे शिक्षार्थी भूल कले ताहा संशोधन करिबा पई शिक्षक कौन करिबा उचित। ऑप्शन ए देछि अन्य शिक्षार्थी मानक द्वारा संशोधन करिबा, बी रे देछि श्रेणी गृह रे संगे संगे संशोधन करिबा, सी रे देछि शिक्षार्थी को दंड देबे, डी रे देछि परोक्ष भावरे संशोधन करिबे। तो राइट आंसर कोटा हबो मन रखिबे, ए राइट आंसर हिजो ऑप्शन नंबर डी परोक्ष भावरे संशोधन करिबे। तो राइट आंसर होछि ऑप्शन नंबर डी पिला माने। नेक्स्ट देखिबा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा बौद्धिक विकासर केउ पर्यायरे शिक्षादिर समस्या समाधान मूलक दक्षतार विकास घटिथाय। ऑप्शन ए रहिछि स्थूल संकार्य धर्मी पर्याय, बी रहिछि विमूर्त संकार्य धर्मी पर्याय, सी रहिछि संवेदीकारक पर्याय, डी रहिछि प्राक संकार्य धर्मी पर्याय। केउ पर्यायरे शिक्षादिर समस्या समाधान मूलक दक्षतार विकास घटिथाय, केउ पर्यायरे मने रखिबे, ए राइट आंसर हिजो ऑप्शन नंबर बी विमूर्त संकार्य धर्मी पर्यायरे। तो राइट आंसर होछि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिबा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा जणे दस वर्ष शिक्षार्थीर मानसिक वयस दस वर्ष से केउ श्रेणीर शिक्षार्थी। जणे दस वर्षर शिक्षार्थी मानसिक वयस मध्य दस वर्ष से केउ श्रेणीर शिक्षार्थी। ऑप्शन ए रहिछि उच्च बुद्धि, बी रहिछि अति निम्न बुद्धि, सी रहिछि स्वल्प बुद्धि, डी रहिछि साधारण बुद्धि। तो ए राइट आंसर कोटा हम मन रखिए, ए राइट आंसर हिजो ऑप्शन नंबर डी साधारण बुद्धि। तो राइट आंसर होछि ऑप्शन नंबर डी पिला माने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा केउ उक्तिटी शिक्षा पई प्रयोज्य नुहे। तो मानको भितर कोटा गोटे शिक्षा पई प्रयोज्य नुहे। ऑप्शन ए रहिछि शिक्षा एक आचरण परिवर्तन प्रक्रिया, बी रहिछि शिक्षा केवल एक औपचारिक प्रक्रिया, सी रहिछि शिक्षा एक लक्ष्याभिमुखी प्रक्रिया, डी रहिछि शिक्षा एक जीवनव्यापी प्रक्रिया। तो राइट आंसर कोटा हम मन रखिए, ए राइट आंसर हिजो ऑप्शन नंबर बी शिक्षा केवल एक औपचारिक प्रक्रिया, यहाँ किंतु शिक्षा पई प्रयोज्य नुहे। तो राइट आंसर होछि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट केउ उक्तिटी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पई प्रयोज्य नुहे। ऑप्शन ए रहिछि द्रुत व ठीक
परिमापन करा जाई पारे। बीरे देचे गोटे प्रश्न रे एकाधिक शिक्षण उद्देश्य माप करिबा संभव। सीरे देचे अधिक विषय वस्तु अंतर्भुक्त करा जाई पारे। डीरे देचे निर्भुल परिमापन संभव। तो राइट आंसर कोडा हबो, तो राइट आंसर हिजिब ऑप्शन नंबर बी, गोटे प्रश्न रे एकाधिक शिक्षण उद्देश्य माप करिबा संभव। एटा किंतु वस्तुनिष्ठ प्रश्न पाई प्रयोज्य नुहे। तो राइट आंसर हिजिब ऑप्शन नंबर बी पिला माने। नेक्स्ट देखिबा, नथिंग सक्सेस लाइक सक्सेस, ए उक्तिटि थंडाइंग शिक्षण नियमर क्यों विधि उपरे पर्यवेक्षित। नथिंग सक्सेस लाइक सक्सेस, ए उक्तिटि थंडाइंग शिक्षण नियमर क्यों विधि उपरे पर्यवेक्षित। ऑप्शन ए देछि फलाफल, बी रे देछि सांप्रत्य, सी रे देछि अभ्यास, डी रे देछि प्रस्तुति। तो राइट आंसर कोडा हो पिला माने मने रखिबे, राइट आंसर हिजिबो ऑप्शन नंबर बी फलाफल नियम उपरे पर्यवेक्षित। तो राइट आंसर हूँ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिबा, केउटी अभ्यास विधि रो एक उपविधि नुहे। ऑप्शन ए देछि अनुपयोग विधि, बी रे देछि सांप्रत्य, सीरे देछि प्रवृत्ति विधि, डी रे देछि उपयोग विधि। केउटी अभ्यास विधि रो एक उपविधि नुहे, कोडा राइट आंसर मन रखिबे, ए राइट आंसर हिजिबो ऑप्शन नंबर सी प्रवृत्ति विधि। एटा किंतु अभ्यास विधि रो एक उपविधि नुहे। तो राइट आंसर होछि ऑप्शन नंबर सी पिला माने। नेक्स्ट देखिबा, केउटी संशोधनी शिक्षण पई उपयुक्त पद्धति, केउटी संशोधनी शिक्षण पई उपयुक्त पद्धति। ऑप्शन ए देछि सहयोग भित्तिक शिक्षण, बी रे देछि अभ्यासीकरण, सी रे देछि गृहकार्य, डी रे देछि शिक्षकक दलगत आलोचना। तो राइट आंसर कोडा हबो मने रखिबे, ए राइट आंसर हिजिब ऑप्शन नंबर ए सहयोग भित्तिक शिक्षण। तो राइट आंसर होछि ऑप्शन नंबर ए पिला माने। नेक्स्ट देखिबा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, टर मान मतरे मेधावी छात्र बुद्धियां के ऑप्शन ए देसी 120 रु 140, बी रे देसी 140 रु अधिक, सी रे देसी 100, डी रे देसी 100 रु 140। कोड आवर राइट आंसर मन रखिबे, ए राइट आंसर होछि ऑप्शन नंबर बी 140 रु अधिक। टर मान मतरे मेधावी छात्र बुद्धियां होछि 140 रु अधिक। तो राइट आंसर होछि ऑप्शन नंबर बी पिला माने। नेक्स्ट देखिबा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, मंथरगामी शिक्षार्थी को चिन्हिबा पई केउ पद्धति उपयोगी नुहे। मंथरगामी शिक्षार्थी को चिन्हिबा पई केउ पद्धति उपयोगी नुहे। ऑप्शन ए देछि शिक्षकंकर पर्यवेक्षण, बी रे देछि कृति परीक्षण, सी रे देछि बुद्धि परीक्षण, डी रे देछि पितामातांक सह साक्षात्कार। कोड आवर राइट आंसर मन रखिबे, ए राइट आंसर होछि ऑप्शन नंबर डी पितामातांक सह साक्षात्कार। एटा किंतु मंथरगामी शिक्षार्थी को चिन्हा पाई पद्धति उपयोगी नुहे। तो राइट आंसर होछि ऑप्शन नंबर डी पिला माने। नेक्स्ट देखिबा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, केउटी अंत अभिप्रेरणार उदाहरण। ऑप्शन ए देछि प्रोत्साहन, बी रे देछि पुरस्कार, सी रे देछि अभिलाष, डी रे देछि प्रशंसा। तो एमानक भितर कोटा गोटे अंत अभिप्रेरणार उदाहरण, कोटा हे राइट आंसर मन रखिबे, ए राइट आंसर हिजिब ऑप्शन नंबर सी अभिलाष। अभिलाष होछि अंत अभिप्रेरणार उदाहरण। तो प्रोत्साहन, पुरस्कार, प्रशंसा, ए सब होछि अभिप्रेरणार उपादान मन रखिबे। तो अंत अभिप्रेरणार उदाहरण होछि अभिलाष मन रखिबे। तो राइट आंसर होछि ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, जणे छात्र सप्तम श्रेणी रे नाम लेखेबा पई उपयुक्त कि नुहे, जानिबा पई कि प्रकार मूल्यांकन करिबा उचित। ऑप्शन ए देछि नैदानिक, बी रे देछि समाप्ति सूचक, सी रे देछि व्यवस्थान, डी रे देछि गठनमूलक। कोडा वर राइट आंसर, जणे छात्र सप्तम श्रेणी रे नाम लेखेबा पई उपयुक्त कि नुहे, जानिबा पई कि प्रकार मूल्यांकन करिबा उचित। कोडा वर राइट आंसर मन रखिबे, ए राइट आंसर हिजिब ऑप्शन नंबर सी व्यवस्थान मैंने रखिए। तो राइट आंसर होछि ऑप्शन नंबर सी पिला माने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा,
आदिवासी पिलामानंकर भाषागत समस्या दूर करने शिक्षादान समय शिक्षक क्यों भाषा व्यवहार करने उचित ऑप्शन ए रे देचे पुस्तक भाषा, बी रे देचे उभय पुस्तक और कथित भाषा, सी रे देचे पिलामानंकर कथित भाषा, डी रे देचे मानक भाषा। तो आदिवासी पिलामानंकर भाषागत समस्या दूर करने शिक्षक शिक्षादान समय शिक्षक क्यों भाषा व्यवहार करने उचित, तो ए रईट आंसर कौटा हे पाने मन रखिए ए रईट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी उभय पुस्तक और कथित भाषा व्यवहार करने उचित। तो ए रईट आंसर ऑप्शन नंबर बी पाने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्यों शिक्षण पद्धति कार्यभित्तिक नुहे, क्यों शिक्षण पद्धति कार्यभित्तिक नुहे। ऑप्शन ए रही क्रीड़ा पद्धति, बी रही प्रश्नोत्तर पद्धति, सी रही मौलिक शिक्षा पद्धति, डी रही विज्ञानगार पद्धति। ये चारोटी ऑप्शन रु ए रईट आंसर कौटा हे पाने मैंने रखिए ए रईट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रश्नोत्तर पद्धति, किंतु यहाँ किंतु शिक्षण पद्धति कार्यभित्तिक नुहे मन रखिए। तो रईट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्योंटी पेशीय संचालन शिक्षण सह संपृक्त नुहे, क्योंटी पेशीय संचालन शिक्षण सह संपृक्त नुहे। ऑप्शन ए दिस साइकिल चालना, बी दिस टाइप करी, सी दिस चित्रांकन, डी दिस अनुकरण। तो एमानक भितर कोटा गोटे पेशीय संचालन नुहे कोटा राइट आंसर मन रखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अनुकरण, किंतु यहाँ किंतु पेशीय संचालन शिक्षण नुहे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिबा तो लास्ट क्वेश्चन देखिबा प्राथमिक विद्यालय रे द्वैत श्रेणी शिक्षादान व्यवस्था काहे की थाए। ऑप्शन ए देसी श्रेणी अनुपात रे कम संख्यक शिक्षक थिबारु, बी रे देसी श्रृंखला रक्षा करिबा निमन्ते, सी रे देसी श्रेणी गृह रे अभाव, डी रे देसी शिक्षक को अधिक क्रियाशील करिबा पाए। तो राइट आंसर कोडा हबो मने रखिबे ए राइट आंसर हिजबो ऑप्शन नंबर ए श्रेणी अनुपात कम संख्यक शिक्षक थिबारु प्राथमिक विद्यालय द्वैत श्रेणी शिक्षादान व्यवस्था करा जाए मैंने रखिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो थैंक यू पिला माने।